होता है देखिए एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो एक बार अभी है ना। नमस्ते। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के इनकम टैक्स के एकलव्य बैच में। इनकम टैक्स का जो एकलव्य बैच है ये वैसे तो शुरू होना था 17 फरवरी को, लेकिन ये एक हफ्ता लेट शुरू हो रहा है 24 फरवरी 2024 से। और ये जो इनकम टैक्स का एकलव्य बैच है, ठीक है, ये स्पेशली जो हमारे जीएसटी के स्टूडेंट रहते हैं हमने उनके लिए शुरू करा है। साल में एक बार इनकम टैक्स का बैच हम पढ़ाते हैं, तो साल में एक बैच ही चलता है, इसका कोई दूसरा बैच नहीं होगा। ये बैच अभी फरवरी में शुरू हुआ है और ये जाते जाते अगस्त सितंबर में जाकर लगभग खत्म होगा। इसके अंदर जो कोर्स कंटेंट है वो लगभग मिनिमम 50 आवर्स का कोर्स होगा, मिनिमम 50 आवर्स का, मैक्सिमम 60 घंटे भी हो सकता है, 70 भी 80 भी, ठीक है, मिनिमम 50 आवर्स का कोर्स होगा। इस कोर्स के अंदर जर्नली क्या बताएंगे, इस कोर्स के अंदर जर्नली मैं तुम्हें एक स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ कि इस कोर्स को मैंने क्यों शुरू करा और ये कोर्स मैं आपको क्यों कराना चाहता हूँ और इस कोर्स का बेनिफिट किसे किसे होगा, ठीक है। ये बात है आज से 10 साल पहले की, जब मैं 2012 में सीए क्वालिफाई करा। मैंने 2012 में सीए क्वालिफाई कर लिया और सीए क्वालिफाई करने के बाद मैंने सीए फर्म के अंदर जॉब कर ली। तो जैसे ही मैंने सीए फर्म के अंदर जॉब कर ली, ठीक है ना, क्योंकि इनिशियली बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे हमारे इस बैच में जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, ठीक है ना। जितने लोग जॉब कर रहे हैं मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएं कि हाँ सर हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है। जितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रैक्टिस के बारे में बताएं। ये इनकम टैक्स एक ऐसी चीज थी जहां से मेरा एक तरीके से करियर स्टार्ट हुआ। तो हुआ क्या, मन मेरा बहुत था कि मैं सीए करूं और सीए करने के बाद प्रैक्टिस शुरू करूं, लेकिन प्रैक्टिस के अंदर कभी क्लाइंट नहीं मिलते थे और जॉब हमारी सीए बनने के बाद लग गई। लेकिन मन में हमेशा ये रहा कि यार प्रैक्टिस होती तो बढ़िया होती, प्रैक्टिस होती तो बढ़िया होती। तो जॉब मेरी जो सीए की लगी तो जॉब ऐसी लग गई जहां पर मेरे को ज्यादा मजा नहीं आ रहा था, ठीक है ना। सैलरी अच्छी मिल रही थी उस टाइम पर, लेकिन मुझे ज्यादा मजा नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा यार किसी तरीके से प्रैक्टिस के अंदर आना है, तो कैसे आऊं। तो हुआ क्या, जॉब करते करते मैंने क्या करा, जहां पर मैं जॉब करने जाता था तो भाई जान पहचान हो जाती है जिन जिन क्लाइंटों के पास मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना, वहां जान पहचान होती जाती है, ठीक है। दो चार लोग जानते रहते हैं कि भाई ये सीए क्वालिफाई हो गया, 2 साल हो गए हैं जॉब करते करते। तो कई लोगों ने क्या करा, मुझे अपनी, ठीक है ना, मुझसे अपनी आईटीआर भरवाने लगे, मुझसे अपनी आईटीआर भरवाने के लिए संपर्क करने लग गए, ठीक है ना। लेकिन जॉब के अंदर मैं इतना बिजी रहता था कि भाई मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं आईटीआर कब भरूं। तो 2014 का साल ऐसा आया, 2014 का साल ऐसा आया 2 साल के बाद, ठीक है ना, जब मैंने एक दिन रात को सोने से पहले हिसाब लगाया कि अगर मैं 2014 में आईटीआर भरता हूँ, सिर्फ आईटीआर, मैं जॉब कर रहा हूँ और उस समय मेरी जॉब में मंथली सैलरी मुझे मिलती थी 2014 में, ये बात है जुलाई अगस्त की, जुलाई अगस्त की बात है, मेरी मंथली सैलरी उस टाइम पे 40,000 रुपये पर मंथ थी, ठीक है, 2014। और लाइफ का टर्निंग पॉइंट देखना इससे कि 2014 में सैलरी मिलती थी मुझे 40,000 रुपये, मंडे टू सैटरडे की जॉब थी। तो जब मैंने अपनी आईटीआर का हिसाब लगाया तो उस टाइम पर मेरे पास अप्रोक्सीमेट 30 आईटीआर थी फाइल करने, और जब मैंने इनसे रिवेन्यू की बात करी तो लगभग मेरे को 50,000 रुपये का रिवेन्यू इन आईटीआर से उस समय पर मिल रहा था, इन 30 आईटीआर से 50,000 का रिवेन्यू था। अब हुआ क्या, हमारे बॉस को पता लगा कि भाई ये आईटीआर भरता है, तो मैंने उनसे कहा कि साहब मुझे ना 31 जुलाई की छुट्टी दे दो, क्योंकि 31 जुलाई लास्ट डेट हुआ करती थी।
उन्होंने कहा भाई साहब छुट्टी तो मिलेगी। अब मैंने कहा कि मेरी ये 30 ITR पेंडिंग है, ये कैसे भरूंगा, 31 जुलाई 2014 की बात बता रहा हूँ। तो हुआ क्या, जब मुझे ये IT छुट्टी नहीं मिली उस दिन, तो मैंने क्या करा, छुट्टी होने से एक दिन पहले ही 30 जुलाई को, 29 जुलाई को थोड़ा बहुत काम ऑफिस में से ही कर रहा था मैं, ठीक है ना, कि जॉब है चलो कोई बात नहीं थोड़ा बहुत कर लेते हैं। फिर मैंने कहा कि सर छुट्टी दे दो, 31 को मेरी ITR पेंडिंग है, पता नहीं किसी कारणवश नहीं मिली। आप बिलीव करोगे, मेरी छुट्टी हुई शाम को 6 बजे, और 6 बजे से रात को 12 बजे तक मैंने ITR भरी। मेरी लास्ट ITR अपलोड हुई थी 11:59 पे, और मैंने 30 की 30 ITR, 25 30 ITR 6 घंटे में फाइल कर दी। और जब 25 30 ITR 6 घंटे में फाइल कर दी, और उसके मेरे को 50,000 रुपये आ गए, तो एक मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस आया, मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि यार अब ना मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकता हूँ। क्योंकि एक तो जुलाई की सैलरी आनी थी 40,000 रुपये, और एक 50,000 रुपये इसके आने थे, ठीक है। और मैंने आज तक जितना भी काम करा है, मुझे 95%, 90 to 95% अमाउंट की रिकवरी हुई है, ठीक है ना। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे पैसे ना मिले, ठीक है ना। तो मेरे ये 90,000 रुपये आने थे, और उस टाइम पर मेरा मंथली खर्चा, शादी नहीं हुई थी, बच्चे नहीं थे, शराब सिगरेट जुआ ये सब मेरे में कोई ऐप था नहीं, उस टाइम पे मेरा मंथली खर्चा था 10,000 रुपये, जो मेरे घर का था, 10 से 15 हज़ार का। तो मैंने उस समय पर 31 जुलाई को जब मेरी ये ITR की पोजीशन हुई, ठीक है, थोड़ा सा बॉस और मेरे में मनमुटाव हुआ, और कुछ और भी रीजन थे, तो मैंने 15 अगस्त 2014 को जॉब छोड़ दी। 15 अगस्त 2014 को मैं आजाद हो गया, जॉब छोड़ दी मैंने। उसके बाद मैंने पिछले 9 सालों में कोई जॉब नहीं करी, ठीक है। और वो दिन है, आज का दिन है, या तो मैं टीचिंग कर रहा हूँ या प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं जॉब नहीं कर रहा। तो ये एक ITR का जो मुद्दा था, ये इतना गंभीर मुद्दा बन गया कि इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी, ठीक है ना। उस समय के 40,000 रुपये महीने से मैं आज, ठीक है ना, आपको पता ही है, ठीक है ना, थोड़े बहुत ज्यादा ही कमा रहा हूँ 40,000 से, है ना। तो ये टॉपिक मेरे दिल के इतने करीब है कि कई बार मुझे ये मन करता है कि इसे ना पढ़ाऊं, लेकिन जब भी मैं साल में, ठीक है ना, ये पप्पू यादव कह रहे कितने, ठीक है ना, ठीक है, म्यूट कर लो अपने आप को रियलमी, ठीक है ना। तो ये टॉपिक जब भी मेरे मतलब मुझे कभी भी ITR ना पढ़ाने का मन आता है, तो मैं सोचता हूँ कि साल में एक बार ITR का बैच पढ़ाएंगे, हो सकता है। म्यूट कर ले, रियलमी नरजो, रियलमी नरजो कौन है, म्यूट करो भाई इन्हें, ठीक है। तो साल में मैं एक बार जरूर इस बैच को पढ़ाता हूँ, और इस बैच से मैं पढ़ाने के साथ साथ ये भी कहता हूँ कि अगर मान लो किसी ने हमारे को 5,000 फीस दी, किसी ने 5,500 फीस दी, किसी ने 6,000 6,500 जो भी फीस दी, ठीक है ना, डिस्काउंट विस्काउंट लगा लोगों के सब, अगर तुमने इस बैच को सीरियसली पढ़ लिया, सब लोगों ने वीडियो ऑन करके पढ़ लिया, और अगर इसी साल के अंदर तुम्हारी जो एग्जिस्टिंग इनकम है, अगर उसमें 10,000 रुपए की वैल्यू ऐड हो गई, 20,000 की वैल्यू ऐड हो गई, ठीक है ना, तो आपका ये बैच के पैसे वसूल। क्योंकि जो इनकम मैं तुम्हें बता रहा हूं 2014 में, ठीक है ना, आप भी वो इनकम कर सकते, क्योंकि इस बैच के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने कभी ITR का काम करा ही नहीं, जो कि हमेशा सिर्फ GST का काम कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने GST और ITR का काम तो करा है, लेकिन कभी बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का काम नहीं करा। कुछ ऐसे हो सकते हैं GSTR ITR बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन तो करा है, लेकिन कभी ROC का काम नहीं करा। कुछ ऐसे हो सकते हैं इन सब का करा है, कभी TDS TCS और एडवांस टैक्स का नहीं करा। तो ये बैच उन लोगों के लिए है जो इस करियर में, इस तरह की प्रैक्टिस में अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। जिन्होंने ऑलरेडी अपना करियर स्टार्ट कर रखा है, उनके डाउट्स क्लियर यहां पर करे जाएंगे। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि भाई ये एडवांस बैच है,
ठीक है ना, इसमें इनकम टैक्स के असेसमेंट कराई जाएगी, इनकम टैक्स की अपील कराई जाएगी। ये वो बैच नहीं है, ये बैच का जो मेरा पर्पज है वो मैंने आपको बता दिया कि इस बैच का पर्पज मेरा ये होता है कि हर साल 10, 20, 50, 100 अकाउंटेंट्स कम से कम जो इनकम टैक्स नहीं कर रहे हैं, जो टीडीएस नहीं कर रहे हैं, जो आईटीआर नहीं कर रहे हैं, जो बैलेंस शीट नहीं कर रहे हैं, और इसके अलावा जो लोग एडवाइजरी सर्विस नहीं दे रहे हैं इनकम टैक्स में, वो एडवाइजरी सर्विस के अंदर आ जाए। ठीक है ना, मेरा इस बैच का पर्पस सिर्फ ये नहीं होता कि आप सिर्फ आईटीआर भरना सीख जाए, ठीक है ना, इस बैच का पर्पस बड़ा है। अब इस बैच के अंदर यहां पर हम कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे जिसका कोई रेलिवेंस ना हो प्रैक्टिकल लाइफ में, ना ही हम कोई ऐसा प्रैक्टिकल टॉपिक करेंगे जिसका सिर्फ और सिर्फ 2% लोगों पे इम्पैक्ट हो या 5% पे। हम यहाँ पर वो थ्योरी और वो प्रैक्टिकल करेंगे जिसका मोर देन 50, 70, 80% लोगों को, 90% लोगों को जिसका यूज आता हो, ठीक है ना। तो इस बैच का जो खोका है ये यहाँ पर हमने एक कंटेंट आपको दिया है जिसके अंदर इनकम टैक्स, आरओसी फाइलिंग, ये आईटीआर वगैरह सारी चीजें बताई, ठीक है। इस बैच के अंदर जो भी क्लासे होगी वो जीएसटी वाले बैच की तरह नहीं होगी कि हमने बेसिक शुरू करा थ्योरी के अंदर ही लगे रहे, ठीक है ना, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि तो जीएसटी का कोर्स 150 घंटे का है, 180 घंटे का है, तो हम वहां पर थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों कर सकते हैं। ये सिर्फ 50 घंटे का कोर्स है, मैक्सिमम 60-70 घंटे का है, तो इसमें हमारा जो डिस्कशन होगा वो हमारा लिमिटेड डिस्कशन होगा, ठीक है ना। इसके अंदर जो भी आपके डाउट्स होंगे, ठीक है, वो डाउट्स कोशिश करूंगा मैं जितने सॉर्ट आउट हो जाए। इस बैच में जो टॉपिक्स चलेंगे, इन टॉपिक्स की एज सच कोई सिक्वेंस नहीं होगी, इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट देखी जाएगी कि कौन सा टॉपिक कहाँ पर रिक्वायर्ड है, और वहां पर वो टॉपिक आपको कराया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो लोग इस बैच के अंदर एनरोल हुए हैं उन लोगों को 2 क्लासे रिकॉर्डिंग फॉर्म में दे दी गई है, 2 क्लासे रिकॉर्डिंग फॉर्म में दे दी गई है, जिसके अंदर एक क्लास में 43 BH, ठीक है ना, इनकम टैक्स का सेक्शन जो है उसका पूरा डिस्कशन किया गया है, और थोड़ी बहुत बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के बारे में बताया है, ठीक है। एक दूसरी क्लास दी गई है जिसमें जो लोग सैलरी के अंदर हैं, जो सैलरी की आईटीआर भरते हैं, तो सैलरी के अंदर टैक्स प्लानिंग कैसे करते हैं उसके बारे के अंदर बताया गया है, ठीक है ना। तो इस बैच के अंदर कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जो हमने जैसे आपको दे दी, ठीक है, बाकी सारी क्लासेस आपको लाइव होंगी। इसके अलावा ये बैच वैसे तो सैटरडे और संडे को शाम को 7 से 9 बजे तक चलेगा, ठीक है ना, 7 PM to 9 PM चलेगा, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर मुझे इस बैच की कोई एक्स्ट्रा क्लास रखनी हो और कोई स्पीकर से आपको इनकम टैक्स पढ़वाना हो, मतलब मैं तो पढ़ाऊंगा 90% क्लासेस, लेकिन मान लो 10% क्लासेस मुझे लगता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छी पढ़ा सकता है, तो मैं जो उस व्यक्ति का समय होगा, मोस्टली हम सैटरडे संडे को ही, संडे को 12 से 2 के अंदर उस क्लास को ले लेंगे, ठीक है ना, एक वेबिनार की फॉर्म में ले लेंगे। आप लोगों को अगर वो प्योरली इनकम टैक्स की क्लास होगी तो आप लोगों को उसका लिंक मिल जाया करेगा, ठीक है ना जी। तो ये हमारे इस बैच के अंदर चलेगा, ठीक है। अब यहां तक किसी का कोई डाउट है, कोई शक है, कोई सवाल है तो मेरे से पूछ सकता है, अदरवाइज हम इस बैच को आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। सर मैं इस क्लास आपको की रिकॉर्डिंग मिलेगी सर इस क्लास की? ठीक जो भी क्लास इसके अंदर होंगी, ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई इस क्लास को सब लाइव देखें, इसमें रिकॉर्डिंग में ना जाए। हालांकि इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन रिकॉर्डिंग के अंदर ऐसा हो सकता है कोई ऐसा कंटेंट हो जो आपत्तिजनक हो। आपत्तिजनक मतलब कि मान लो मैंने तुम्हारे को टैक्स प्लानिंग बताया, वो धीरे धीरे टैक्स इविजन में चला गया, ठीक है ना, तो हो सकता है कि मेरी टीम उस कंटेंट को काट के रिकॉर्डिंग में डाले, तो आपको ये लगे कि भाई साहब यहाँ पर से तो कुछ कट गया है, ठीक है ना, नहीं, रेफरेंस क्योंकि रेफरेंस पर्पज के लिए रिकॉर्डिंग सर ओनली सर। हाँ रेफरेंस पर्पज के लिए सबको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है, ऐप के अंदर ही। जैसे ही आज क्लास होगी, अगली क्लास से पहले, ठीक है, अगली क्लास मतलब कि
जैसे सैटरडे संडे की क्लास होगी तो 5 दिनों के अंदर मंडे टू फ्राइडे के बीच में कभी भी रिकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगी, लेकिन फ्राइडे से पहले कोई नहीं कहेगा कि रिकॉर्डिंग नहीं मिली। आज की रिकॉर्डिंग कोई कल नहीं मांगेगा, ठीक है ना? तो यस सर, सैटरडे संडे की रिकॉर्डिंग, दोनों दिन की रिकॉर्डिंग टीम मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे लगाकर फ्राइडे लास्ट तक आपको दे देगी, ठीक है ना? अब इसके अंदर जो आईटीआर है कितनी कवर होंगी, इसके अंदर हम जो आईटीआर वन से लेकर सिक्स तो कवर करेंगे ही करेंगे, डेफिनेट है, ठीक है ना? लेकिन अगर हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों को आईटीआर 7 में भी दिक्कत आती है, तो हम थोड़ा बहुत डिस्कशन आईटीआर 7 का भी करेंगे। इसलिए अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर फ्लायर पे जो लिखा हुआ है, जो आप लोगों के पास फ्लायर गया, यहाँ पर सिर्फ ITR 1 2 3 4 लिखा है, लेकिन इसमें ऐड कर सकते हो आप 5 और 6 के अंदर मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, 7 की मैं अभी गारंटी नहीं ले रहा, ठीक है? नहीं, क्लियर है? चलो तो अब हम इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। अब इस कोर्स के अंदर क्या है, आज हम खड़े हुए हैं 25 फरवरी को, 24 फरवरी को, आज 24 फरवरी को हम खड़े हुए हैं, ठीक है ना? तो इस महीने के अंदर क्या क्या कोर्स होंगे फरवरी और मार्च में, इसके अंदर हमने टैक्स प्लानिंग के लिए तुम्हारे को सैलरी वाला बता दिया। आज हम इस क्लास के अंदर एक तो पढ़ेंगे डिडक्शन का चैप्टर, और एक हम जो पढ़ेंगे डिडक्शन के साथ साथ अगली जो क्लासेस होंगी, मैं उसका पहले से ब्योरा दे देता हूँ कि उसके अंदर बैलेंस शीट और अकाउंट्स क्लोजिंग कैसे करें, बैलेंस शीट और अकाउंट क्लोजिंग्स कैसे करें वो हम डिस्कशन करेंगे, कि जिससे कि अगर आपको कोई प्लानिंग करनी है, क्यों डिडक्शन आज क्यों पढ़ रहे हैं, डिडक्शन को पढ़ने का आज पर्पज ये है कि कल को तुम्हारा कोई टैक्स बन रहा है, आप उसे सेव करना चाहते हैं, तो जो भी चीजें आप कर सकते हैं वो 31 मार्च से पहले कर सकते हैं। 31 मार्च के बाद अगर आप कुछ भी करना चाहेंगे तो 31 मार्च के बाद आप नहीं कर पाएंगे। तो हम आज की क्लास में डिडक्शंस की बात करेंगे कि क्या क्या डिडक्शंस करके आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं, ठीक है? इस पूरे बैच के अंदर हमारा इनकम टैक्स में मेन फोकस रहेगा कि हमारा टैक्स सेव कैसे रहे और हम कंप्लाइंस कैसे रखें, ठीक है जी? और दूसरी चीज हम अगली क्लासों में कि अकाउंटिंग हम कैसे क्लोज करें 31 मार्च से पहले, ठीक है ना जी? क्या क्या एडजस्टमेंट करें, तो इसके लिए जो हमारा स्टडी मटेरियल होगा, ठीक है, हम सीए इंटर का स्टडी मटेरियल यूज करेंगे, और जहां जहां पर हमारे को जरूरत होगी तो मेरे कुछ नोट्स होंगे तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूं। अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ टर्म्स हैं जो कि तुम्हारे को इनकम टैक्स में समझनी है। तो पहली टर्म्स है, एक वर्ड होता है डिडक्शन, ठीक है ना? पहला एक टर्म होता है, जिसे कोई टर्म समझ नहीं आएगा वो पूछ लेगा मेरे से। पहला एक टर्म होता है डिडक्शन, एक वर्ड होता है एग्जम्पशन, एक वर्ड होता है डिडक्शन और एक वर्ड होता है एग्जम्पशन। तो मुझे चैट बॉक्स में लिखकर ये बताएं, आपने ये दोनों वर्ड सुने हैं, और अगर आपका आंसर यस है तो भाई इन दोनों वर्ड्स में अंतर क्या होता है, मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिखकर बताएं, डिडक्शन और एग्जेम्पशन में क्या फर्क है? मैं दो वर्ड की चर्चा कर रहा हूं, एक वर्ड होता है डिडक्शन और एक वर्ड होता है एग्जेम्पशन, तो मुझे डिडक्शन और एग्जेम्पशन में अंतर बताएं, डिडक्शन और एग्जेम्पशन में अंतर बताएं कि डिडक्शन और एग्जेम्पशन में क्या अंतर होता है, बोलो बोलो, डिडक्शन और एग्जेम्पशन में कितना अंतर होता है? क्या म्यूट कर लीजिए, इन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक है, सिंपल भाषा में आपको बता रहे, म्यूट कर, राजेश जी म्यूट करें, राजेश जी म्यूट करें अपने आप को, राजेश जी म्यूट करें। डिडक्शन मीन्स डिडक्ट फ्रॉम इनकम और एग्जेम्पशन मीन्स एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम, ये थोड़ी हुआ, एक लेमेन लैंग्वेज में बताएं कि डिडक्शन और एग्जेम्पशन में क्या अंतर होता है। जिन लोगों ने पिछली टैक्स प्लानिंग वाली क्लास देखी होगी वहां पर मैंने थोड़ा बहुत डिस्कशन करा था, ठीक है ना? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डिडक्शन और एग्जेम्पशन में अंतर क्या होता है। पहले तो चंदन दास जी ने बताया, डिडक्शन मीन्स इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्पशन मीन्स टैक्स तो है अभी तक नहीं लगा है। अच्छा, डिडक्शन मीन्स डिडक्ट फ्रॉम ग्रॉस टोटल, जिसकी जिसकी छूट मिलती है। चलो अब पहले ना इनकम टैक्स का सिस्टम समझिए कि इनकम टैक्स का सिस्टम कैसे है, ठीक है ना?
इनकम टैक्स का सिस्टम कैसे है, पहले उस चीज को समझिए, इनकम टैक्स का पर्पज क्या है वो समझिए, ठीक है? उसके बाद आपको डिडक्शन और एग्जम्पशन समझ आएगा। देखो, गवर्नमेंट को देश चलाना है, देश चलाने के लिए टैक्स चाहिए, तो आप लोगों ने पढ़ा कि जीएसटी से गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, इनकम टैक्स से टैक्स ले रही है, शेयर मार्केट पे एसटीटी लगाकर वहां से टैक्स लेती है, तो बहुत जगह से टैक्स लेती है। अब यहां पर जो इनकम टैक्स लेना है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की ये बहुत बड़ी दिक्कत है, गवर्नमेंट को ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है कि गवर्नमेंट को जो इनकम टैक्स लेना है, गवर्नमेंट इनकम टैक्स नहीं ले पा रही, ठीक है ना? कितने लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स जमा करते हैं, और कितना कितना करते हैं मुझे एक बार बताओ फटाफट से, कितने लोग इनकम टैक्स जमा करते हैं और कितना कितना जमा करते हैं एक बार बताओ मुझे फटाफट से, ठीक है ना भाई? तुम बता तो रहे हो लेकिन अमाउंट भी बताना ईमानदारी से, ठीक है ना? आईटीआर मंगवा लूंगा मैं तुम्हारी चेक करने के लिए। 5 लाख ये कह रहे 50,000 करते हैं सुनील शर्मा जी, हर्षल सेठ जी 30,000 करते हैं, 20,000 करते हैं, महेंद्र सिंह 5 से 10,000 करते हैं, है ना? अब यहाँ पर देखो 50 आदमी है और 50 आदमी में से 5 आदमी इनकम टैक्स जमा कर रहे हैं, और ठीक है ना, बाकी लोग नहीं कर रहे। नहीं सर, 5 लाख करोड़। अरे भाई तुम्हारी तो बात ही नहीं कर रहे, चैट बॉक्स में लिखनी है, जब भी मैं कोई चीज पूछूं बोलना नहीं है, सब लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ, मनीषा जी कह रही है सर मैं तो 5 लाख करती हूँ, ठीक है ना? ठीक है, 5 लाख ये करती, अब आप समझ रहे हो। ये अल्ताफ जी कह रहे हैं ये तुम अपने अपना टैक्स जमा कर रहे हो इतना, 1-1 लाख, 5-5 लाख, क्लाइंट का नहीं पूछ रहा हूँ मैं क्लाइंट का नहीं पूछ रहा हूँ। शिव रतन वर्मा जी कह रहे 85,000 करता हूँ, ये कह रहे मैं तो रिफंड ले लेता हूँ, 0 पे करती हूँ, ठीक है ना? क्लाइंट का नहीं बताना, कई लोग क्लाइंट का बता रहे हैं इतना जमा करो, आप तुम्हारा पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि इस चीज को समझो, गवर्नमेंट कह रही है कि इनकम टैक्स दो, असेसी ये कह रहा है इनकम टैक्स तो तभी देंगे जब इनकम होगी, और जब इनकम ही नहीं है तो टैक्स का है बात का? जब इनकम ही नहीं है तो टैक्स का है बात का? तो 140 करोड़ लोग हैं, तो 140 करोड़ में से 5 से 7 करोड़ अपनी आईटीआर भरते हैं, और उसमें से 1-1.5 करोड़ लोग टैक्स दे रहे होंगे, ठीक है ना? ये आंकड़ा हमारा है। अब यहाँ पर मुद्दा ही आता है कि साहब ऐसा क्यों हो रहा है, साहब ऐसा क्यों हो रहा है, और गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? क्योंकि तो गवर्नमेंट का ना पेट भरा हुआ है यहाँ से, जीएसटी से और टैक्सों से, तो गवर्नमेंट इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन पिछले 1-2 सालों में क्या हुआ है, गवर्नमेंट क्या कह रही है कि जो लोग इनकम टैक्स की चोरी करेंगे हम उन्हें पकड़ लेंगे, चोरी करने वालों को हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना? गवर्नमेंट ने ये चीज बोली है, उन्होंने बोला है कि देखो हम परेशान नहीं करना चाहते, हमारे पास आदमी बहुत कम है, तो अभी कुछ दिन पहले एक ऑर्डर आया कि चलो जिन लोगों ने टैक्स जमा नहीं करे पुराने, जिन लोगों ने पुराने टैक्स जमा नहीं करे हम उनका टैक्स माफ कर देते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भाई जो छोटे छोटे आदमी है उन्हें छोड़ दो, हमें छोटे छोटों को नहीं पकड़ना, हमारे को बड़ों बड़ों को पकड़ना है, ठीक है? इसलिए जो भी तुम्हारे पास क्लाइंट आता है, जितने भी तुम्हारे पास क्लाइंट आते हैं, तो उसमें जितने भी छोटे छोटे क्लाइंट होते हैं, जितने भी छोटे छोटे क्लाइंट होते हैं, अब छोटे छोटे से क्या मतलब है, जिसकी इनकम 2 लाख है साल की, 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, 6 लाख है, 7 लाख है, मेरे हिसाब से 10 लाख तक जिसकी इनकम है, जिसकी इनकम 10 लाख रुपए तक है, गवर्नमेंट कहती है यार इनसे क्या वो करें, गवर्नमेंट इन लोगों की रिटर्न्स को देखती भी नहीं है। देखना इन द सेंस कि कोई ज्यादा डीपली जाके नहीं घुसती इसके अंदर, क्योंकि जिसकी इनकम है ही कुल 10 लाख, वो टैक्स की कितनी चोरी कर लेगा, 10,000 की, 20,000 की, 50,000 की, गवर्नमेंट पकड़ती है बड़ों को। लेकिन हमारे पास तो सारा क्लाइंटेज यही है, तो सर हम क्या करें? तो इसका मतलब बहुत सारे अकाउंटेंट्स, बहुत सारे एडवोकेट्स, बहुत सारे सीए, बहुत सारे प्रोफेशनल इन आईटीआर में गलतियां करते रहते हैं और सोचते हैं
कि आज तक 10 सालों से हमें कुछ नहीं हुआ, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि तुम्हारी गलती कभी किसी ने चेक ही नहीं करी, किसी ने पकड़ी ही नहीं, तो तुम्हें ऐसा लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे। लेकिन अब क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। जो गवर्नमेंट्स का कंप्यूटर है, जो ऑनलाइन सिस्टम है, वही इन चीजों को चेक कर रहा है। तो हमारे को क्या काम करना है, जितने भी छोटे क्लाइंट्स हैं उसमें इस तरीके से इनकी आईटीआर भरनी है, इस तरीके से चीजों को करना है कि जिसमें हम फंसे ना। फंसे ना का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग आईटीआर फाइल करने के 500 रुपए लेते हैं, 200 रुपए लेते हैं, 750 रुपए लेते हैं, 1,000 रुपए लेते हैं। मैंने पिछली क्लास में पूछा था, सब लोगों ने बताया है। और वो उतनी आईटीआर ले लेते हैं और उसके बाद 500-500 आईटीआर भर के अगर नोटिस आ जाते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। आजकल एक नोटिस बहुत आ रहा है कि तुमने फेक डिडक्शन क्लेम करी, तो उस फेक डिडक्शन की वजह से ही लोग बाग बड़े फंसते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक वही है कि क्या फेक है और क्या जेन्युइन है, और ये वाक्य में डिडक्शन है क्या। तो पहले इस चीज को समझो, गवर्नमेंट ने क्या कहा कि देखो तुमने जो भी इनकम कमाई, गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो भी आपने इनकम कमाई तो हम तुम्हारी इनकम को 5 भागों में डिवाइड कर देते हैं, कि तुम 5 सोर्स से इनकम कमा सकते हो। ठीक है ना, सोर्स तो बहुत है, लेकिन ब्रॉडली हम उन्हें 5 सोर्स के अंदर डाल देंगे जो तुम इनकम कमा रहे हो। चाहे तुम सैलरी से कमा लो, चाहे तुम हाउस प्रॉपर्टी से कमा लो, सैलरी मतलब नौकरी करके, हाउस प्रॉपर्टी मतलब अपना घर किराए पे देके, तीसरा बोलते हम पीजीबीपी मतलब कि बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम, चौथी हम बोलते हैं कैपिटल गेन मतलब कि कोई प्रॉपर्टी बेच दी, शेयर्स बेच दिए, और पांचवी इंटरेस्ट इनकम या कोई भी अदर सोर्स इनकम हम इसे बोलते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट्स ने क्या बोला, इस चीज को समझो कि जब ये 5 हेड्स की इनकम तुम्हारे पास आएगी, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5 हेड्स के अंदर, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5 हेड्स के अंदर आईटीआर भरी, कोई ऐसा है जिसने कभी किसी एक हेड में इनकम आईटीआर ना भरी हो? सब लोगों को 5 हेड्स की आईटीआर आती है, 5 हेड्स की, हाँ 5 हेड्स की आईटीआर आती है। ये कह रहे नहीं मुझे आती है, ठीक है ना, जिसे जिस हेड की नहीं आती वो लिख देगा मुझे इस हेड की नहीं आती, मुझे इस हेड की नहीं आती वो लिख देगा। कैपिटल गेन, तो अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, सबसे इजी आईटीआर होती है, ठीक है तुम मुझे खुद ही बता दो सबसे इजी कौन सी आईटीआर होती है भाई, सबसे इजी कौन सी आईटीआर होती है, सैलरी वाली। सबसे इजी आती है सैलरी वाली, उसके नंबर पे अदर सोर्स की, इसे 1-2 पे भी रख सकते हो, इसके बाद सबसे इजी जो होती है उसके बाद तीसरे नंबर पे इसे रख लो, चौथे नंबर पे इसे रख लो, पांचवे पे इसे, आप इसके हिसाब से नंबर अपने चेंज भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 5 हेड्स की इनकम के बारे में आपको बताएंगे कि 5 हेड्स में इनकम कैसे आती है, ठीक है ना, और 5 हेड्स की इनकम की आईटीआर कैसे भरते हैं। ठीक है, क्लियर है? मैं आपको बता दूंगा। अब क्या होता है, गवर्नमेंट कहती है कि 5 हेड्स की इनकम को टोटल कर लो, 5 हेड्स की इनकम को टोटल कर लो जो जो तुम्हारे को इनकम आई, ठीक है ना। अब मैंने कहा जी मेरे को टोटल 5 हेड्स से इनकम आई है 20 लाख, ठीक है 5 हेड्स की इनकम आई है 20 लाख। अब हुआ क्या, अब ये जो 5 हेड्स की इनकम है 20 लाख, ठीक है ना, इसमें से कोई एक ऐसी इनकम है जिस पर गवर्नमेंट कह रही है मुझे टैक्स ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट क्या कह रही है, ऐसी इनकम पे मुझे टैक्स चाहिए ही नहीं। तो जब गवर्नमेंट कहती है कि मुझे ऐसी इनकम पर टैक्स नहीं चाहिए, तो क्या मैं उसे अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड करूं या ना करूं, ग्रॉस टोटल इनकम जो मेरी है उसे ऐड करूं या ना करूं, बोलो बोलो बोलो, क्या मैं उसे ऐड करूं या नहीं।
आंसर इज नो। मनीषा मंसूर कहती है जी नहीं सर ऐड करो ग्रॉस टोटल इनकम में, लेकिन इनकम टैक्स कहता है भाई जब मुझे टैक्स ही नहीं मिलना, इनकम टैक्स कहता है जब मुझे टैक्स ही नहीं मिलना तो वो मेरे लिए इनकम नहीं है भाई, तेरे लिए इनकम होगी। तो अगर कोई ऐसी इनकम होती है जिसे कभी ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड ही नहीं किया जाता, जिसे कभी ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड ही नहीं किया जाता, उसे हम बोलते हैं एग्जेम्प्ट। क्या बोलते हैं? एग्जेम्प्ट। और अगर कोई इनकम मेरी एग्जेम्प्ट हो जाती है तो वो ऊपर ही बाहर हो जाती है, हम इसे क्या बोलते हैं कि ये पहले से पहले ही बाहर हो गई। तो मान लो मेरी कोई ऐसी एग्जेम्प्ट इनकम है, एग्जाम्पल लिख कर दो भाई मुझे, एग्जाम्पल लिख कर दो मुझे एग्जेम्प्ट इनकम के, एग्जाम्पल लिख कर दो मुझे एग्जेम्प्ट इनकम के, कोई भी लोग मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी इनकम है जिसे टैक्स लगाने के, ठीक है ना, इन्होंने कहा एग्रीकल्चर, किसी ने लोगा इंटरेस्ट ऑन पीएफ, किसी ने बोला एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है एग्रीकल्चर अभी मत लिखो, ठीक है ना, बाद में बताऊंगा एग्रीकल्चर इनकम में भी क्या हिसाब रहता है, ठीक है ना, समझ में आया? और कोई बताए कोई सही से, पिछली क्लास कोई देख कर आया हो तो, ठीक है इन्होंने बोला एजुकेशन अलाउंसेस, ठीक है ना, है ना, मैं बहुत आसानी से तुम्हें बता देता हूँ कि लेट्स सपोज करो आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए, लेट्स सपोज तुमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए और वहां से आपको डिविडेंड आ रहा है, और मान लो 10,000 रुपए का डिविडेंड आ रहा है, और गवर्नमेंट ने उस डिविडेंड को बोला ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने उस डिविडेंड को बोला है ये एग्जेम्प्ट है, तो भाई एग्जेम्प्ट जो भी होगा उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेती नहीं है, तो हम पहले से यहीं से लेस कर देंगे, तो हमारी 20 लाख नहीं होगी, हम इसे क्या बोलेंगे 19,90,000। और गवर्नमेंट जो एग्जेम्पशन देती है उसके लिए सेक्शन नोट कर लो, सेक्शन 10 होता है, कौन सा होता है जी, ठीक है सेक्शन 10 इनकम टैक्स का, सेक्शन 10 एग्जेम्प्ट इनकम की बात करता है। जीएसटी का कौन सा सेक्शन है एग्जेम्पशन के लिए, जीएसटी का कौन सा है, जीएसटी का कौन सा है 11, इनकम टैक्स का कौन सा है 10, और एग्जेम्प्ट इनकम के लिए क्या लिखा हुआ है, द इनकम विच आर एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 विल नॉट बी इंक्लूडेड, विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग ग्रॉस टोटल इनकम। तो कभी भी हमारी ग्रॉस टोटल इनकम में कभी भी एग्जेम्प्ट इनकम ऐड ही नहीं है, ठीक है ना, कभी भी हमारी एग्जेम्प्ट इनकम ऐड नहीं होती। पहली चीज ये समझ में आ गई? हाँ सर। अब दूसरी चीज है, ठीक है गवर्नमेंट, अब मैंने अब इस एग्जाम्पल को चेंज कर लेते हैं, तो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम इन पांचों हेड से निकलकर आ गई 15 लाख रुपए, ठीक है अब मानकर चलना ये कपिल जैन की इनकम है 15 लाख रुपए, ठीक है आज ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से अगर एक व्यक्ति, अपनी जनरल नॉलेज से बताना कि एक व्यक्ति 15 लाख रुपए महीने कमा रहा है, 15 लाख रुपए साल के कमा रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हूं, ठीक है ना, जिम्मेदार नागरिक नहीं हूं, या मान लो मैं जिम्मेदार नागरिक हूं, कुछ भी एग्जाम्पल ले लेना, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये 15 लाख रुपए मुझे खर्च करने के लिए साल में कम है या ज्यादा है या बराबर है? 15 लाख रुपए गवर्नमेंट के हिसाब से बताओ ज्यादा है कम है या ठीक है, बोलो। अरुण कुमार कहते हैं सर ज्यादा है, दिनेश जैन कह रहे कम है, कुछ लोग कह रहे ठीक ठाक है, ठीक है ना, शिव रतन वर्मा जी कह रहे हैं सर अभी डिविडेंड इनकम पर भी टैक्स लगता है, वो मैं आपको बताऊंगा कुछ लेवल तक एग्जेम्प्ट है उसके बाद उसमें टैक्स लगता है, ठीक है वो पूरा डिस्कशन करेंगे, मैंने सिर्फ एक आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एग्जेम्प्ट इनकम का एक एग्जाम्पल दिया है जिससे कि तुम आसानी से समझ सको, ठीक है अभी हम देखेंगे क्या क्या एग्जेम्प्ट इनकम होती है। ये कह रहे हैं डिपेंड ऑन फैमिली मेंबर, हम मान लेते हैं 4 मेंबर है, ठीक है पति पत्नी, ठीक है ना, पति पत्नी और 2 बच्चे, 15 लाख रुपए। अब आपने कहा सर ये थोड़े से ज्यादा है, अब जब भी कभी किसी व्यक्ति के पास खर्चे ज्यादा होंगे,
ठीक है ना, या इनकम ज्यादा होगी, वो क्या करेगा, पहले तो बेसिक नीड्स पूरी करेगा अपनी, और अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के बाद ठीक है इस पैसे को थोड़ा सा खर्च करेगा। कहाँ खर्च करेगा, गोवा चला जाएगा, गोवा में कैसीनो में बैठ जाएगा, ठीक है ना, और ज्यादा पैसे होंगे, थाईलैंड चला जाएगा, ठीक है ना, वहां पर थोड़े से शराब में खर्च कर लेगा, ठीक है ना, और ज्यादा पैसे होंगे, यूरोप घूमने चला जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि यार इसे अगर ज्यादा पैसे दिए तो ये पैसे को बर्बाद भी कर सकता है। तो गवर्नमेंट क्या लालच देती है कि देख तूने 15 लाख रुपए कमा लिए, देख तूने 15 लाख रुपए कमा लिए, अब इसमें से क्या कर, इसमें से क्या कर, या तो 15 लाख रुपए पे हमें टैक्स दे दे, और अगर तू टैक्स नहीं देना चाहता, टैक्स बचाना चाहता है, तो हम तुझे लालच दे रहे हैं कि अपने पैसों को अच्छे काम में लगा, अपने पैसों को अच्छे काम में लगा। मैंने गवर्नमेंट से पूछा कि भाई तुम मेरे से ऐसा क्यों चाह रहे हो कि मैं इसे अच्छे काम में लगाऊं। गवर्नमेंट ने कहा अगर तू अच्छे काम में लगाएगा इससे देश का भी भला होगा और तेरा भी भला होगा। लेकिन हमारा हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है कि जहां पर अच्छे काम करवाने के लिए भी लालच देना पड़ता है। अच्छा काम कराने के लिए मैं दीपायन से बार बार कह रहा हूं कि दीपायन एनुअल वेबिनार ले ले, अच्छा काम है, बार बार कहना पड़ रहा है। अभी दीपायन को बोलू एक बोतल है 5,000 रुपए की, ठीक है ना, या कहीं आईपीएल में मैच चल रहा है, सट्टा लगाना, 5 के 10 हो सकते हैं, हाँ सर लगा दो। अच्छे काम के लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ रहा है, दूध बेचने के लिए, नारियल पानी के लिए, शराब वाले को एडवर्टाइजमेंट ही नहीं करना पड़ता, वो अपने आप बिक जाता है। तो गवर्नमेंट को अच्छा काम कराने के लिए लालच देना पड़ता है। अच्छा इसमें गवर्नमेंट का फायदा है या नहीं, गवर्नमेंट का फायदा है या नहीं, बोलो क्या गवर्नमेंट का फायदा है कि कोई व्यक्ति अच्छे काम करे? आंसर इज यस। अगर कोई व्यक्ति यूरोप जाके घूमेगा, थाईलैंड जाके घूमेगा, तो गवर्नमेंट का नुकसान है। मोदी जी बार बार कह रहे हैं बाहर घूमने मत जाओ, बाहर घूमने मत जाओ, देश में घूमो, लक्षद्वीप घूमो, क्योंकि उन्हें पता बाहर घूमने जाएगा तो नुकसान है। तो गवर्नमेंट ने यहां पर ये लालच दिया कि वैसे तो तेरे 15 लाख रुपए पर टैक्स लगाएंगे, लेकिन अगर जहां जहां हमने कहा है, जहां जहां हमने कहा है वहां पर अगर तुम पैसा खर्च कर दोगे, जहां जहां हमने कहा है वहां पर पैसा खर्च कर दोगे या इन्वेस्ट कर दोगे, अगर जहां जहां हमने कहा है वहां वहां पैसा खर्च कर दोगे या इन्वेस्ट कर दोगे, और 15 लाख में से मान लो 10 लाख खर्चा कर लो अपना और 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो जहां हम कह रहे हैं, तो हम 3 लाख रुपए की डिडक्शंस दे देंगे तुम्हें। क्या दे देंगे? 3 लाख रुपए की डिडक्शंस दे देंगे हम, इसके ऊपर आपसे टैक्स नहीं लेंगे, हम नेट 12 लाख पर टैक्स लेंगे। तो अब यहां पर व्यक्ति के लिए लालच आ गया, वो कह रहा है कि यूरोप बाद में घूम लूंगा, थाईलैंड बाद में घूम लूंगा, गोवा बाद में घूम लूंगा, पहले क्या करता हूँ अच्छे कामों में पैसे को लगा देता, ठीक है। अब जब ये अच्छे कामों को लगाया गया तो इसे गवर्नमेंट ने डिडक्शंस दी, ठीक है। अब डिडक्शंस और एग्जेम्पशन में अंतर समझे, तो इसलिए जब भी मैं तुम्हें बोलूंगा डिडक्शंस कैसे होती हैं, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, डिडक्शंस कई तरह की होती है, ठीक है ना, डिडक्शंस कई तरह की होती है, जिन्हें पहली डिडक्शंस को हम बोलते हैं पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस। क्या बोलते हैं भैया? पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस, नोट कर लो। पहली डिडक्शन हमारे पास होती है जिसे हम बोलते हैं पेमेंट बेस्ड डिडक्शन, कि अगर पेमेंट करोगे तो डिडक्शन मिलेगी, पेमेंट नहीं करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। हम इसे क्या बोलेंगे? पेमेंट बेस्ड डिडक्शन। और यही डिडक्शन फेमस होती है, यही डिडक्शन फेमस होती है, ठीक है, जो कि आपको करनी है। तो अब हमारे को 31 मार्च से पहले अगर किसी एसएससी का टैक्स बन रहा है ज्यादा,
किसी एसएससी की इनकम है ज्यादा, ठीक है, तो हमें उसे क्या सलाह देनी है कि तुम यूरोप घूमने मत जाओ, तुम थाईलैंड घूमने मत जाओ, पहले क्या करो, ठीक है ना, पहले क्या करो, कुछ पेमेंट्स कर दो जिसके बेसिस पर डिडक्शन मिल जाए और तुम्हारा टैक्स कम हो जाए। इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? एज ए प्रोफेशनल, अगर तुम अपने क्लाइंट की, अगर तुम अपने क्लाइंट्स को प्रोत्साहित करते हो डिडक्शंस करने के लिए, क्या इसमें प्रोफेशनल का फायदा है या नहीं? प्रोफेशनल का फायदा है या नहीं? बोलो 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 जल्दी, क्या इसमें प्रोफेशनल का फायदा है? ये कह रहे यस, कह रहे क्या फायदा है? ये कह रहे मैंने अपनी वाइफ को एलआईसी एजेंट बना रखा है। अरे नहीं, इसके अलावा फायदा बताओ यार, ठीक है, आप लोगों का क्या फायदा है? आप लोगों को कोई फायदा है? अगर आप उसे कहते हो इन्वेस्टमेंट कर ले, ये कह रहे नोटिस कम आएगा, वो ठीक है, दूसरी चीज और कोई बताएगा? फीस इंक्रीज होगी, ये भी बहुत बढ़िया बात है। और देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं ना साइकोलॉजी पे बड़ा काम करता हूँ, लोगों की साइकोलॉजी मुझे पता है, ठीक है, कि लोग कैसे सोचते हैं। तो जो भी मैंने क्लाइंट के बारे में सोचा है, तो क्लाइंट का एक पर्पज होता है, क्लाइंट की एक कैलकुलेशन होती है। तुम बताना मैं सही सोच रहा हूँ या गलत। क्लाइंट की एक कैलकुलेशन होती है, वो एक कैलकुलेशन अपने माइंड में लेता है कि अगर मैं अपने बिजनेस से साल के 20 लाख रुपए कमा रहा हूं, तो 2 लाख रुपए दूंगा किसे? टैक्स में, गवर्नमेंट को और वकील साहब को, एडवोकेट, सीए, उसने बजट बना रखा है 2 लाख रुपए। अब जितना तुम उसका टैक्स बचवा दोगे, ठीक है, जितना तुम उसका टैक्स बचवा दोगे उतनी तुम्हारी फीस बढ़ जाएगी, जितना तुम उसका टैक्स ज्यादा कराओगे वो तुम्हारी फीस कम कर देता है, ठीक है। कई बार ऐसा उनकी साइकोलॉजी में देखा गया है, ठीक है ना, कि भाई वो ऐसा करते हैं कि टैक्स तो दे देते हैं, अरे साहब इतना टैक्स दे दिया है ना, तो जितना टैक्स बचाओगे तो वो तुम्हारी फीस बढ़ा देता है, इसलिए जाने अनजाने में, ठीक है ना। मैं तो क्या करता हूँ, मेरी बात को समझना, मैं कभी भी क्लाइंट्स का टैक्स पहले सेव नहीं करता, पहले मैं उसे बताता हूं उसका एक्चुअल टैक्स कितना बनना है, और एक्चुअल टैक्स जब मैं उसे दिखा देता हूं कि तुम्हारा एक्चुअल टैक्स बनेगा 5 लाख, लेकिन जब तुम मेरी शरण में आ जाओगे और मुझे फीस दे दोगे तो हो सकता है ये टैक्स तुम्हारा 3 लाख भी बन जाए, फिर मैं उसे बताता हूँ कैसे कैसे बनेगा, ठीक है जी। तो अब यहां पर इस चीज को समझना कि हमें इसलिए डिडक्शंस को प्रोत्साहित करना है, अपने क्लाइंट्स को बचाना है। अब अगर क्लाइंट्स ने डिडक्शन करी नहीं, मार्च निकल गया, जहां जहां पेमेंट करनी थी पेमेंट नहीं करी, मार्च निकल गया, वो तुम्हारे ऊपर प्रेशर बनाएगा कि भाई मैं इतना टैक्स नहीं दूंगा, तो तुम उसके बाद क्या करोगे? फेक डिडक्शन लोगे, जो कि बहुत गलत है, जो कि बहुत गलत। अब ये जो लोग फेक डिडक्शंस लेते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता, उन्हें ये भी नहीं पता कि फेक डिडक्शंस कैसे ली जाती है, ठीक है ना, उन्हें ये भी नहीं पता कौन सी लोग लेते हैं, किसमें पकड़े जाते हैं किसमें नहीं। जैसे कि लेट सपोज करो, कोई मेल मेंबर कभी फीमेल के वॉशरूम में गया है? कभी अर्जेंट हो, जल्दी लग रहा हो, है, कभी गया है? मेल मेल मेंबर बताओ, कभी किसी को ऐसा इमरजेंसी हो कि चलो नहीं यार फीमेल में चले गए? पप्पू यादव कह रहे मैं गया हूं, ठीक है ना, ये पप्पू यादव क्या करते थे, मैं बता रहा हूँ ये पप्पू क्या करते थे। ये एक बार अपनी वाइफ के साथ थे, तो इन्हें क्या लगा कि इन्हें लगा कि भाई साहब, ठीक है ना, वॉशरूम आ रहा है इन्हें बहुत तेज और मेल वाला खाली नहीं, तो इनकी वाइफ ने इन्हें, ठीक है ना, समझाया कि भाई ये फीमेल वाला इसमें मत जाओ, इन्होंने कहा नहीं मैं अंदर चला जाता हूँ और तुम बाहर गेट पे खड़ी रहो, और कोई भी फीमेल आए तो उन्हें बता देना मेरी सहेली गई हुई है, ठीक है ना, और जब वो चली जाए तो मैं बाहर निकल कर आ जाऊंगा। तो ये एक आध बार इन्होंने ऐसा करा, मैंने कभी नहीं करा ऐसा, ठीक है ना, लेकिन कई बार, ठीक है ना, ये पप्पू यादव को मैंने देखा एक बार, ये अपनी वाइफ के साथ थे, इन्होंने ऐसे ही करा फीमेल मछली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि
ये वॉशरूम करने गए, 2 मिनट की बात थी और ये करके आ गए। अच्छा ये पकड़े गए होंगे या नहीं पकड़े गए होंगे, बोलो ये पकड़े गए होंगे या नहीं पकड़े गए होंगे, जो जिस टेक्निक से गए। हाँ ये पकड़े ही नहीं गए, ये पकड़े ही नहीं गए क्योंकि इनके साथ इनकी वाइफ थी, बचा लिया, ट्रिक दे दी। अब ऐसी ही ट्रिक अगर दीपायन, ठीक है ना, ना अजमय, इन्होंने पप्पू यादव ने बोला मैं गया था एक बार फीमेल में, मुझे तो किसी ने कुछ कहा नहीं, दीपायन चले गए। अब दीपायन चले गए, इनके साथ वाइफ थी नहीं, और फीमेल में चले गए तो वहां पर आ गई 4-5 लड़कियां, पिटाई हो गई इनकी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो काम अगर तुम कर रहे हो, लॉ को ब्रेक कर रहे हो, तो पहले अपने सेफगार्ड्स देख लो कि भाई आप कैसे कर रहे हो, ऐसा ना हो पिटाई हो जाए। तो इसीलिए मैं जो तुम्हें डिडक्शन चैप्टर सिखाने वाला हूँ, वो मैं ऐसे बताने वाला हूँ कि भाई आपको ना रूल ब्रेक नहीं करने, और अगर करने हैं तो कैसे करने हैं, ठीक है ना। चल अब हम आते हैं डिडक्शन पे, ठीक है। तो अब ये आप इस चीज को और नोट कर लेना कि गवर्नमेंट ने तुम लोगों के साथ एक अन्याय करा। अन्याय क्या है, जरा इस अन्याय को भी समझ लेना। गवर्नमेंट ने एक डेटा निकलवाया, और डेटा निकलवाने के बाद गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ये बताओ कितने लोगों ने डिडक्शन क्लेम कर रखी है, ठीक है ना। तो पता चला कि भाई सब लोग मेडिक्लेम की डिडक्शन लेके बैठे हुए, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने सारी आईटीआर का टोटल करा, और सारी आईटीआर में देखा कि मान लो 5,000 करोड़ का मेडिक्लेम की डिडक्शन है। उन्होंने मेडिक्लेम कंपनियों से पूछा कि भाई तुमने कितनों का मेडिक्लेम बांटा हुआ है, उन्होंने कहा साहब हमने तो बांटा ही पूरे हिंदुस्तान में 2,000 करोड़ का है, मेडिक्लेम कंपनियों को मिल रहा है प्रीमियम 2,000 करोड़, और लोग बाग मेडिक्लेम की डिडक्शन कितने की ले रहे हैं, 5,000 करोड़ की। गवर्नमेंट कह रही यार ये क्या आंकड़ा है। सेम गवर्नमेंट ने एलआईसी के केस में देखा, तो गवर्नमेंट इस नतीजे पर पहुंची कि ये जितने भी लोग हैं ये सब फेक डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट को इस फेक डिडक्शन पे रोक लगानी थी, क्योंकि फेक डिडक्शन अगर गवर्नमेंट क्लेम करेंगे तो गवर्नमेंट्स ने दो तरीके अपनाए फेक डिडक्शन पे रोक लगाने के। कोई दो तरीके बताओ मुझे कि इस फेक डिडक्शन पे कैसे क्लेम लगाया, कैसे रोक लगाई जा सकती है, बोलो कैसे लगाई जा सकती है फेक डिडक्शन पे रोक, बोलो। इन्होंने कहा लिंक आधार, नहीं और कोई बताओ। हाँ सरोज कुमार साहू ने बोला, गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि भाई पहले इस चीज को समझ लो कि हम ना अब डिडक्शन का कंसेप्ट ही खत्म कर रहे हैं, हम डिडक्शन का कंसेप्ट खत्म कर रहे हैं। गवर्नमेंट 2-3 साल पहले, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम ले आई, और न्यू टैक्स रिजीम लाकर क्या बोल दिया कि भाई हम तुम्हें डिडक्शन ही नहीं देंगे। पहला रोक यहां लगाई। दूसरी रोक क्या लगाई गवर्नमेंट ने, दूसरी रोक ये लगाई कि जिन लोगों ने डिडक्शंस क्लेम करी थी उन सबको नोटिस भेज दी। दूसरी रोक क्या लगाई कि जिन लोगों ने डिडक्शंस क्लेम कर रखी थी सबको एक तरफ से उठाकर नोटिस भेज दिए कि तुम अपनी डिडक्शंस को चेक करवाओ कि तुम्हारी डिडक्शन सही है या गलत है। तो अब हमारे को पहले वाले से, तो जब तक डिडक्शंस हैं तब तक मैंने पिछली क्लास में बताया था कि किस किस इनकम तक हमारे को डिडक्शंस, कितनी डिडक्शंस लेनी है, किस कब हमारे को फायदा हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर जिन लोगों को डिडक्शंस लेनी है उन्हें पहली चीज ये ध्यान रखना है ओल्ड रिजीम में जाना है, और बाय डिफॉल्ट रिजीम कौन सा है, न्यू या ओल्ड, बाय डिफॉल्ट कौन सा रिजीम है, न्यू है या ओल्ड है, बोलो फटाफट। बाय डिफॉल्ट इज न्यू रिजीम है, तो अगर कोई डिडक्शन क्लेम करना चाहता है उसे ओल्ड में जाना है। हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करा था कि किस इनकम तक क्या रहेगा, वो हम दोबारा भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। दूसरी चीज क्या है, जो लोग डिडक्शन क्लेम करेंगे उन्हें ये चेक करना है कि जेन्युइन डिडक्शन हो, फेक डिडक्शन ना हो। तो अब हम डिडक्शन पे स्टार्ट करते हैं। आपको चैप्टर की क्लियरिटी क्लियर हो गई, हो सकता है
आने वाले 2 3 4 सालों के बाद यह चैप्टर खत्म हो जाए। आने वाले 2 3 सालों में यह चैप्टर खत्म हो जाए। सर क्यों खत्म हो जाए? अगर ओल्ड रिजीम खत्म हो गया, अगर ओल्ड रिजीम खत्म हो गया तो क्या इस चैप्टर का कोई रेलिवेंस रहेगा? इस चैप्टर का रेलिवेंस किसके लिए है? इस चैप्टर का रेलिवेंस मेनली ओल्ड रिजीम वालों के लिए है। तो जब भी कभी आप किसी की आईटीआर भर रहे हैं तो पहले इस चीज को देखें कि उसकी जेन्युइन डिडक्शंस कितनी है। और आज जिन लोगों की आईटीआर आप भरेंगे, अगले वीक से आपको ये कैलकुलेशन कर लेनी है कि इसकी आईटीआर में भर रहा हूं, इसे न्यू में लेकर जाना है, ओल्ड में लेकर जाना है, और अगर ओल्ड में लेकर जाना है तो क्या इसकी उतनी डिडक्शन है या नहीं कि जिससे इसे बेनिफिट हो जाए। यहाँ पर दिक्कत क्या हो सकती है? दिक्कत नोट कर लो कि तुम किसी व्यक्ति को ओल्ड में ले गए और उसकी डिडक्शंस नहीं थी, किसी व्यक्ति को ओल्ड में ले गए उसकी डिडक्शंस नहीं थी, तो गलत हो जाएगा, उस पर टैक्स ज्यादा आ जाएगा। और आप किसी व्यक्ति को न्यू में ले गए और उसकी डिडक्शंस थी तो उसे नुकसान हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं? क्लियर हो रही है? तो मेनली हम यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं विनीत जी, हम मेनली बात कर रहे हैं कि मेनली हम किन डिडक्शन की बात कर रहे हैं। हम उन डिडक्शंस की बात कर रहे हैं जो अभी पहले पेमेंट बेसिस है। कुछ डिडक्शंस होती है इनकम बेसिस, कि अगर आपकी ये इनकम है तो हम डिडक्शंस देंगे, अगर ये इनकम नहीं है तो डिडक्शन नहीं देंगे। ठीक है, कोई मुझे एक इनकम बेसिस डिडक्शन का एग्जाम्पल दे। डिडक्शंस मैंने क्या बताया आपको, एक तो होती है पेमेंट बेसिस, एक डिडक्शंस होती है इनकम बेसिस। क्या होती है जी? इनकम बेसिस। ठीक है, इनकम बेसिस डिडक्शन, जैसे मैंने बोला अदर इनकम बेसिस डिडक्शंस, जैसे इंटरेस्ट इनकम, अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम है तो डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अभी हम पहले कौन सी डिडक्शंस पढ़ रहे हैं? ठीक है ना, हम पहले पढ़ रहे हैं पेमेंट बेसिस डिडक्शंस। ठीक है, और ये जो हम डिडक्शंस पढ़ रहे हैं, देखो डिडक्शंस क्या होगा ना, डिडक्शंस हो सकता है, डिडक्शंस हो सकता है जो मैंने तुम्हारे को ये 5 हेड बताए, इन 5ों हेड्स में अलग अलग डिडक्शंस हो। हम यहाँ पर हेड्स की डिडक्शन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर कौन सी डिडक्शंस की बात कर रहे हैं जो ग्रॉस टोटल इनकम से मिलनी। हम यहाँ पर देखो एक डिडक्शन हो गई हेड वाइज, एक डिडक्शन है कि हमारे को जो ग्रॉस टोटल इनकम से मिलनी है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन है उसकी बात करेंगे। ठीक है, अब ये जो डिडक्शन पढ़ेंगे हम लॉजिकली पढ़ेंगे कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। देखो अभी तक आपने जो डिडक्शंस पढ़ी है, आपने अभी तक ये डिडक्शन सिर्फ इसलिए पढ़ी है क्योंकि आपको बताया है कि ये डिडक्शन है, ये पढ़नी है बात करनी, लेकिन हमें लॉजिक से पढ़नी है कि गवर्नमेंट ने ये डिडक्शन क्यों दी। तो पहली डिडक्शन आती है जो सबसे फेवरेट डिडक्शन है, जिसका नाम है 80C, सेक्शन 80C। ठीक है, डिडक्शंस के सामने लिखा हुआ है कि भाई ये डिडक्शन उसी व्यक्ति को मिलेगी जो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएगा, न्यू टैक्स रिजीम वाले को ये कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी पहले। ठीक है, तो जो जो मैं डिडक्शन बताऊंगा उसके सामने लिखते रहना कि भाई न्यू टैक्स रिजीम में ये नहीं मिलेगी, तो 90% डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजीम में है ही। ठीक है ना, जो पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस है। ठीक है ना, चलो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 80C की डिडक्शंस गवर्नमेंट ने क्यों दी। अब 80C के अंदर कम से कम 25 जगह पर, कम से कम 20 से 25 जगह ऐसी है जहां पर गवर्नमेंट कह रही है पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, और अगर तुम ये पेमेंट कर दोगे तो हम तुम्हारे को डिडक्शंस दे देंगे। 15 लाख कमाए हैं, पेमेंट कर दो डिडक्शन दे देंगे, 15 लाख कमाए हैं, पेमेंट कर दो डिडक्शन दे देंगे। मैंने कहा तुम्हारा क्या फायदा, तुम मुझे बताओ। तो ये 15, ठीक है ना, लाख की जो इनकम कमाई गवर्नमेंट मुझसे इसलिए पेमेंट करा देना चाहती है कि अगर मैं इन्हें पेमेंट नहीं करूंगा तो इससे गवर्नमेंट का नुकसान होगा। कोई मुझे बताए गवर्नमेंट का क्या नुकसान होगा अगर मैंने 80C के अंदर पेमेंट नहीं करी? गवर्नमेंट का क्या नुकसान होगा? दो जगह ऐसी बताएं जहां पर गवर्नमेंट का बड़ा नुकसान होगा अगर तुम 80C में पेमेंट नहीं कर रहे, और गवर्नमेंट अपना नुकसान बचाने के लिए तुम्हारा पेमेंट करा रही है। बोलो, जिस पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है। कोई दो जगह बताएं
जहां पर आप पेमेंट करते हो और गवर्नमेंट का फायदा होता है। कोई दो जगह बता दो भाई। इन्होंने बोला पीपीएफ, चलो क्या फायदा होता है? दूसरा एलआईसी, क्या फायदा होता है? गवर्नमेंट का क्या फायदा जरा बताओ। तुम एलआईसी में पेमेंट करते हो, गवर्नमेंट का क्या फायदा है बताओ? तुम पीपीएफ में पेमेंट करते हो तो गवर्नमेंट का क्या फायदा है बोले? अभी हम एटीसी की बात कर रहे हैं, अभी हम एटीसी की बात कर रहे हैं, अभी हम एटीसी की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट का क्या फायदा होता है? देखो देखो, अब मैं बता रहा हूं मनीषा जी, इस चीज को समझना, जो आपने बताया ठीक है लेकिन और डिटेल में समझना। अब लेट सपोज करो मैंने एलआईसी करा रखी है और एलआईसी में मैं साल के 1.5 लाख रुपए देता हूं, एग्जाम्पल मान लेना। अगर मैं साल के 1.5 लाख रुपए एलआईसी में देता हूं, ठीक है ना, तो 1.5 लाख रुपए साल के मैं देता हूं, तो अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों को हो सकता है 50 लाख रुपए मिल जाए, 1 करोड़ रुपया मिल जाए, ठीक है, अगर मैं साल के 1.5 लाख रुपए दे रहा हूं। अब अगर मैं एलआईसी नहीं करा रहा हूं, 15 लाख कमाता हूं और 15 लाख कमाने के बाद बीवी है बच्चे हैं पूरा इंजॉय करता हूं, 15 लाख को नष्ट कर देता हूं, तो अगर मुझे कुछ हो गया तो बताओ क्या मेरे बीवी बच्चे अनाथ नहीं हो जाएंगे? और अगर ये अनाथ हो जाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी किस पे होगी? कल को अगर बच्चे अनाथ हो गए तो ये ना पढ़ पाएंगे अच्छे से ना ये अच्छे से पढ़ पाएंगे, हो सकता है ये बड़े होके चोरी करने लग जाए। तो गवर्नमेंट चाहती है ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है कि जितने रुपये तू कमा रहा है भाई, इसमें से ना हर साल 1 लाख रुपए एलआईसी में करा ले, तुझे कुछ हो गया तू तो निकल जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। और अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लेंगे, और अगर इन पे 50 लाख 1 करोड़ आ गया तो कहीं ना कहीं बैठ कर, ठीक है ना, कुछ धंधा पानी कर लेंगे, ब्याज पे पैसे चढ़ा देंगे, ठीक है, लेकिन फैमिली को पाल लेंगे। तो गवर्नमेंट को कहा कि भाई एलआईसी करा ले। इसी तरीके से गवर्नमेंट कहती है प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाओगे और अगर उसकी आप स्कूल फीस दोगे तो हम तुम्हारे से टैक्स नहीं लेंगे। ऐसा क्यों कह रही है गवर्नमेंट? क्योंकि गवर्नमेंट को इस चीज का पता है, गवर्नमेंट का इस चीज का पता है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल इस लेवल के नहीं है कि हम पूरे देश के बच्चों को पढ़ा लें। अगर गवर्नमेंट, अगर हिंदुस्तान से प्राइवेट स्कूल खत्म हो जाए, एक बार सोच के देख लो, अगर हिंदुस्तान से प्राइवेट स्कूल खत्म हो जाए, तुम एक बार सोच कर देखना क्या गवर्नमेंट के इतने स्कूल हैं कि पूरे हिंदुस्तान का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल जा सकता है? क्या पूरे हिंदुस्तान का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल जा सकता है? बोलो, क्या वो एक अच्छी एजुकेशन पा सकता है? आंसर इज नो। तो गवर्नमेंट ने यहां पर जो 25 जगह लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट कराना, उसमें से मैक्सिमम जगह गवर्नमेंट का फायदा है, ठीक है, लेकिन अगर तुम सिर्फ गवर्नमेंट का ही फायदा देखते रहोगे, तुम्हारा भी तो फायदा है, तुम्हारा बच्चा प्राइवेट स्कूल जाएगा तो हो सकता है प्राइवेट स्कूल पास में हो, ठीक है ना, उसकी जेनेटी अलग हो, वो अच्छी एजुकेशन ले ले, ठीक है। तो पहले ये बताओ डिडक्शन का पर्पस क्लियर हुआ या नहीं बेटा? पहले बताओ डिडक्शंस का पर्पज क्लियर हुआ गवर्नमेंट के एंगल से और तुम्हारे एंगल से? देखो मुझे ना यहाँ पर तुम्हारे को कोई लोन ही पढ़ाना, मुझे यहाँ पर तुम्हारे को कोई लोन ही पढ़ाना, मेरे को यहाँ पर तुम्हारे को लॉजिकली चीजें समझानी है कि इसका लॉजिक क्या होता है कि गवर्नमेंट डिडक्शन दे क्यों रही है, ठीक है ना, और अगर तुम डिडक्शंस नहीं लोगे तो गवर्नमेंट तुमसे टैक्स क्यों ले रही है? समझ आ गई मेरी बात या नहीं? तो अब हम 80C के अंदर वो डिडक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है ना, हाँ, इससे दोनों का ही फायदा, ठीक है ना, ठीक है। गवर्नमेंट जब भी डिडक्शन देती है तो एक गाना गाती है कि जो डिडक्शन लेगा उसमें उसका ही फायदा है, अगर डिडक्शन नहीं लेगा तो गवर्नमेंट कहती है इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, समझ आ गई। और अगर गवर्नमेंट कल को न्यू टैक्स रिजीम 100% लगा देगी,
तो इसमें भी गवर्नमेंट का ही फायदा है, सॉरी गवर्नमेंट का ही घाटा है तुम्हारा, हमारा तो है ही घाटा, क्योंकि अगर डिडक्शन नहीं मिलेगी हम नहीं करेंगे सेविंग, क्योंकि हम तो लालची है, ठीक है ना। मैं इन लोगों को, आज कुछ लोग ऐसे आए हैं इनकम टैक्स में, आज कुछ लोग ऐसे आए हैं इनकम टैक्स में जो एक्स्ट्रा फीस देकर आए हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स में एक्स्ट्रा फीस देकर आए हैं, आज ही ज्वाइन कराए जिन्होंने, जो लड़ाई कर रहे थे हमारी टीम से आज, कितने लोग हैं ईमानदारी से बता दो, जो एक्स्ट्रा फीस देकर आए हैं, जो लड़ाई कर रहे थे, मुझे नाम पता है, मैं बता दो मुझे, हाँ कितने लोग हैं जिन्होंने आज ही पेमेंट करी है ऐप पर। हाँ ये दो चार लोग हैं, इन्हें मेरा गला खराब हो गया चिल्लाते चिल्लाते कि भाई जल्दी ले लो जल्दी ले लो, फीस बढ़ने वाली है, ऐप वाले फीस बढ़ाने वाले हैं, जल्दी ले लो जल्दी ले लो। कह रहे नहीं, 7 बजे क्लास है शनिवार को, सुबह लेंगे, जैसे दीपायन करता है ना कांग्या दीपायन, ये 12 बजे कल क्लास है, 11 बजे लेंगे। अब मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि मार्च के अंदर फिर दोबारा से फीस बढ़ जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति जो इनकम टैक्स देख रहा है, एकलव्य बैच और जीएसटी का अर्जुन बैच नहीं ले रखा, या इनकम, या जो एनुअल वेबिनार मेंबरशिप नहीं ले रखी, वो ले ले 28-29 फरवरी से पहले, आज कल भी ले ले, कभी भी रेट बढ़ सकता है, ठीक है ना। मैं तुम्हें ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट का क्या है, तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भाई अगर डिडक्शंस खत्म करेगी, न्यू टैक्स रिजीम लाएगी, तो इसमें गवर्नमेंट का घाटा हो सकता है, ठीक है ना, क्लियर है। इसलिए गवर्नमेंट ने अभी पूरी तरीके से बंद नहीं करा, ठीक है ना। सर मैंने आपका इनकम टैक्स का कोर्स 2 बार लिया है, एक बार 2022 में और अब 2024 में, बहुत बढ़िया सर। मार्केट में बहुत स्कैम है, ट्रस्ट नहीं कर सकते। किस चीज में स्कैम है समझ नहीं आ रहा, परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी मार्केट में। हाँ जी हाँ, चलो तो पहली चीज क्लियर हो गई, तो आप ये मत सोचना। लेकिन जब तक ओल्ड टैक्स रिजीम है तब तक मेरी बात मानो, अगर आप क्लाइंट को थोड़ा सा कन्विंस कर दोगे तो वो डिडक्शंस लेगा, डिडक्शंस लेने से ठीक है ना, तुम्हारा भी फायदा, गवर्नमेंट का भी फायदा, क्लाइंट का भी फायदा, ठीक है। अब अगली बात पे आते हैं, क्या कभी ऐसा होना चाहिए कि मेरी इनकम है और डिडक्शन भी है तो मैं डिडक्शंस क्लेम ना करूं? कभी ऐसा हो सकता है कि मेरी 1.5 लाख की डिडक्शंस है और मैं उसे क्लेम ना करूं? बोलो, कोई ऐसा केस तुमने देखा है कि 1.5 लाख की डिडक्शन है और वो क्लेम नहीं करता? कोई एक ऐसा केस बताओ। बोलो, इन्होंने बोला सर इनकम ही कम है। महेंद्र सिंह जी ने बहुत पॉइंट की बात करी, इस पॉइंट को समझना कि क्या हुआ, एक व्यक्ति की जो इनकम है वो 10 लाख रुपए है और हमने उसे बता दिया कि भाई 1.5 लाख रुपए की डिडक्शंस क्लेम कर लो, तो वो 1.5 लाख रुपए हर साल जमा करता है, 8.5 लाख पे टैक्स दे रहा था। अब क्या हुआ, अचानक से उसकी नौकरी चली गई, बिजनेस में लॉस हो गया, उसकी इनकम हो गई 5 लाख। अब आप लोगों को पता है कि 5 लाख के अंदर कोई टैक्स नहीं है, पता है ये वाली बात या नहीं? बोलो, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें 5 लाख पे कोई टैक्स है या नहीं? अब अगर मैं उसकी यहां पर डिडक्शन क्लेम कर लेता हूँ 1.5 लाख, तो मेरी इनकम जाती है आईटीआर में 3.5 लाख। ये वाला बेटर प्रेजेंटेशन है या ये वाली बेटर प्रेजेंटेशन है? 5 लाख डिडक्शंस है बट मैं आईटीआर में नहीं डाल रहा और इनकम जाती है 5 लाख, कौन सी बेटर प्रेजेंटेशन है, कौन सी आईटीआर भरोगे तुम? सुनील शर्मा कह रहे हैं डिडक्शन क्लेम नहीं करना, ये कह रहे सेकंड वाली। क्यों सेकंड वाली, क्यों सेकंड वाली, क्यों सेकंड वाली, क्यों? डिडक्शंस है तो क्लेम क्यों नहीं कर रहे? डिडक्शंस है तो कौन सी वाली क्लेम नहीं कर रहे? तो भाई इस चीज को समझो, मेरे हिसाब से ये वाला बेटर होगा, और आप इस टाइम पर न्यू टैक्स रिजीम में ज्वाइन कर लेना। किसमें? न्यू टैक्स रिजीम। तो यहां पर कई बार ऐसा हो सकता है
कि जहां पर तुम्हारे को डिडक्शंस हैं, ठीक है ना, डिडक्शंस है, लेकिन तुम उसे नहीं लेना चाहते क्योंकि तुम चाहते हो तुम्हारी वाइट की इनकम ज्यादा रहे। तो 5 लाख की इनकम हैंडसम अमाउंट दिख रहा है तुम्हारे को, और लोन परपज के लिए ये वाली ज्यादा बेटर रहेगी। तो कई बार कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, ठीक है, तो वो भी हम एक बार देखेंगे, ठीक है ना। हाँ क्लियर हो गया, चलो ये इतनी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे को है। तो हमेशा हम वैसे डिडक्शन क्लेम करेंगे क्योंकि हम इस चैप्टर को पढ़ी उस एंगल से रहे, और कहाँ नहीं करनी है वो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पर 80C के अंदर देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया, 20 से 25 एंट्रियां हैं जहां जहां आप अपने क्लाइंट के पैसे बचवा सकते हो। तो अब आपको ये देखना है कि इस 20-25 में से आप कहाँ कहाँ बचवा सकते हो। तो हम 20-25 को डिस्कशन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर 2, 4, 5, 6 को डिस्कशन कर लेंगे जो कि बहुत कॉमन है, ठीक है ना। तो पहली तो आप सब लोगों को पता है, पहली तो आपको सब लोगों को पता है कि अगर कोई आप, ठीक है ना, LIC लेते हैं जो फेमस है, ठीक है ना, तो आप LIC अगर लेते हैं तो LIC की डिडक्शन आप क्लेम कर लें। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे केसेस में जब क्लाइंट कहेगा कि मेरी LIC हो रखी है 50,000 की, बहुत सारे केसेस में क्लाइंट आपको बोलेगा कि भैया मेरी LIC हो रखी है 50,000 की, तुम कहोगे लाओ भाई प्रूफ दे दो, ठीक है ना, लाओ भाई प्रूफ दे दो। वो कहेगा अरे गुप्ता जी दे देंगे प्रूफ तुम्हें, हम पे सकोरा है, जब हमने कह दिया 50 की तो पूरे 50 की है, और तुम उसकी ITR भर दोगे 50,000 की LIC डाल के। और जैसे ही 50,000 की LIC डाली और ITR भरी तो एक नोटिस आएगा कि भाई तुमने ये 50,000 की डिडक्शन क्लेम करी है, इसका प्रूफ दो। तो क्लाइंट कहेगा मैंने ITR नहीं भरी, मेरे CA ने भरी थी, मेरे CA का नाम है अम्लान दत्ता, ये जी उसकी ईमेल आईडी, ये रहा उसका फोन नंबर, ये रहा उसका घर का एड्रेस, और जाके उससे ले लो, ठीक है जी। अब वो आ गए अम्लान दत्ता पे मेल डाल दी कि तुमने इसकी ITR भरी थी, तुम्हारे सिस्टम से भरी हुई है, तुम लाओ इसकी डिटेल। अब अम्लान दत्ता फंस गए, तो अब क्या करना है, ठीक है ना, अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है ऐसे केस में। मेरा सजेशन, मैं तुम्हें सिर्फ सजेशन दे सकता हूं, तुम मानो या मत मानो ये तुम्हारी बात है, और एक जो गुरु है वो तुम्हें सजेशन ऐसा देगा कि जिससे तुम्हारे को दिक्कत ना आए और तुम कहीं फंसे हुए हो तो तुम निकल जाओ, ठीक है ना। तो पहला सजेशन क्या है कि जो भी डिडक्शन तुम क्लेम कर रहे हो आप उसकी फिजिकल कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों लेके रख लो, फिजिकल कॉपी फाइल में और सॉफ्ट कॉपी अपने सिस्टम पर या मेल पर जाम। सर क्या ले LIC के लिए प्रूफ में, LIC के लिए प्रूफ में सबको पता है एक LIC सर्टिफिकेट देती है कि तुमने कितना प्रीमियम पे करा पूरे फाइनेंशियल ईयर में, उस सर्टिफिकेट से बढ़िया कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले वो सर्टिफिकेट निकलवा लो, अगर सर्टिफिकेट नहीं देता है क्लाइंट, उसे पता नहीं है सर्टिफिकेट कैसा है, LIC की पॉलिसी निकलवा लो, उस पे हाईलाइटर से लिख दो कि भाई ये इसके नाम की है, इसका ये अमाउंट है। ये भी अगर नहीं देता है उसकी बैंक स्टेटमेंट में जहां से LIC पे हुई है वहां पर हाईलाइट कर लो, वहां से टोटल कर लो, लेकिन इसका प्रूफ जरूरी है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर अगर तुम कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो ये LIC के अंदर भी ना बहुत सारे कानून लिखे हुए, कानून क्या लिखे हुए कि कुछ लोग गड़बड़ी करते थे, वो क्या करते थे 5 लाख रुपए की LIC ले ली और उसका प्रीमियम दे दिया 1 लाख रुपए की, डिडक्शन भी क्लेम कर लेंगे हर साल और 5 सालों में खत्म भी हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने ना इस पर लिमिट लगा रखी है, गवर्नमेंट ने लिमिट लगा रखी है कि भाई, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने लिमिट लगा रखी है कि जब भी तुम LIC की पेमेंट करोगे तो 10% से ज्यादा का प्रीमियम अगर पे करा तो 10% की डिडक्शन मिलेगी। तो 99% केसेस में तो सारे के सारे ये 10% के अंदर ही आते हैं, ठीक है ना, 1-8% के केस में इस चीज को चेक कर लेना अगर आपको चेक करना। अब अर्नब दा कह रहे हैं कि सर LIC की पेमेंट कैश में कर सकते हैं, देखो वैसे तो लो कहता है यस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा अपने क्लाइंट्स को जब भी कभी कोई वो इन्वेस्टमेंट की बात करे उसे क्लाइंट को बोलना कैश में ना करे,
सर ऐसा क्यों? क्योंकि कैश में करोगे तो कैश एक प्रूफ को कम कर देता है, और बैंक से की जाने वाली चीजें एक प्लस में प्रूफ होता है। तो बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, अपने आप में एक प्रूफ है कि आपने इस चीज की पेमेंट करी है। ठीक है, जैसे तुम कभी केजे क्लासेस की, अभी जैसे मैं ये देख रहा हूँ ये 45 लोग हैं, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कमल साहू है इसने ना क्लास की पेमेंट नहीं करी। कमल साहू ने क्लास की पेमेंट नहीं करी, इसने क्या करा, दीपायन से संपर्क कर लिया। अरे दीपायन, तेरे पास क्लास का लिंक आएगा, वही भेज दियो मुझे। तो अब मैं क्या करेगी मेरी टीम, कमल साहू को एग्जिट करा देगी। ठीक है ना, अब कमल साहू क्या प्रूफ करेंगे कि इन्होंने पेमेंट करी है? हाँ, दीपायन ने इन्हें पर्ची भी काट के दे दी केजे क्लासेस के नाम की। ठीक है, कैश में इनसे 2,000 ले लिए, 2,500 ले लिए। बीच में मैंने एक आध लोगों को पकड़ा, वो क्या करते थे, लिंक ले लेते थे क्लास का और फिर दूसरों को दे देते थे 200 200 रुपए में। ठीक है, मैंने एक दो को पकड़ लिया उन्हें। ठीक है, तो मैंने बीच क्लास में एग्जिट कर देता हूँ मैं। ठीक है ना, समझ रहे मेरी बात को? तो अब कमल साहू कैसे प्रूव करेंगे? ये कह रहे हैं कैश दिया है, उन्होंने मेरे को पर्ची भेज दी कि देखो सर ये केजे क्लासेस की पर्ची है। मैंने कहा किसे दिया कैश? कह रहे सर आपके एक सेल्स एजेंट है दीपायन, ठीक है, उन्हें दिया। ठीक है, अरे भाई, मैंने कहा यार ऐसे मत दे। तो फिर आज के बाद जब भी कभी किसी को पेमेंट करे, बैंक से करे। किससे करे? बैंक से, जहां पर तुम्हें लगता है कि प्रूफ की जरूरत है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये LIC वाला क्लियर है, ये इसमें और डिस्कशन चाहिए? LIC वाला क्लियर है या इसमें और डिस्कशन चाहिए? बोलो बोलो, LIC क्लियर है? देविंदर जी ने कहा हाँ सर क्लियर। चलो, LIC में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। हालांकि बस LIC में तुम्हारे को यही चीजें करनी है, थ्योरी के लिए बहुत बड़ा चैप्टर है ये, हमें थ्योरी पे जाना है। अब इसके अंदर आता है PPF। ठीक है, अब हमेशा क्या करना, जैसे क्लाइंट को 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर क्लाइंट को 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है तो ऐसा मत करना कि सारे के सारे LIC में घुसवा दिए उसके पैसे, तो उसे अलग अलग बताना। तो मैंने तुम्हारे को क्या दिया है, मैंने तुम्हारे को ग्रुप में एक PDF दी है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अच्छा है। ठीक है ना, 80C के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अच्छा है, वो मैंने दिया है, तो उसे पढ़ लेना। तो उसमें सबके अपने अपने फायदे और नुकसान दे रखे हैं। ठीक है जी, हाँ। तो अब एक है PPF, ठीक है ना। अब यहाँ पर PPF की जो बात होती है कि भाई ये PPF क्या है, इसमें गवर्नमेंट कहती है एक बार पैसा आएगा और तेरे मरने के बाद दे देंगे हम। ठीक है ना, मरने के बाद मतलब 15 साल बाद देंगे। ठीक है, कितने लोगों ने PPF अकाउंट खुलवा रखा है, ईमानदारी से बताना कितने लोगों का PPF अकाउंट है? हाँ? शिव रतन वर्मा जी कह रहे हैं मेरा है। कितने साल पहले खुलवाया था शिव रतन जी, कितने साल पहले खुलवाया था? ये कह रहे हैं 20 साल पहले खुलवाया था मैंने। ये ठीक है, ठीक है ना। कमल सिंह कह रहे हैं मेरा 7 साल पहले था। अब मान लो तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आ गया 65 साल का, 65 साल का ये क्लाइंट आ गया, तुम उसे कह रहे हो चाचा PPF खुलवा लो। अब चाचा ने PPF में खुलवा दिया अकाउंट। ठीक है, अब चचा का जो PPF में अकाउंट खुल गया 65 साल में, और तुमने उससे 1.5 लाख रुपए डलवा दिया उसके, अब चचा की तबीयत खराब हुई 66वें साल में। चचा ने कहा पैसे? कह रहे पैसे नहीं मिलेंगे, ये तो जब तुम 80 साल के हो जाओगे तब मिलेंगे, या पैसे चाहिए तो पहले मर जाओ तब मिलेंगे। तो ऐसी सलाह नहीं देती है कि तुम 65 साल वाले को PPF की सलाह दे रहे हो। ठीक है ना, समझ में आई मेरी बात? तो ये PPF, अगर तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आ रहा है, वो 25 साल का, 28 साल का, 30 का, 35 का, 40 का है, उसे बोल दो कि भाई साहब एक PPF अकाउंट खुलवा लो, 15 साल बाद पैसे मिलेंगे। वो कहेगा भाई PPF को खुलवा लो, तो उसे बता देना कि भाई इसके अंदर जितना पैसा डालोगे 80C में एग्जम्प्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट मिलेगा वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा, तो इसके इंटरेस्ट पे टैक्स भी नहीं लगता है। पैसे को सेविंग अकाउंट में रखोगे तो उस पर जो इंटरेस्ट आएगा उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन साथ में पूरी शर्तें बता देना कि 15 साल तक, ठीक है ना, 15 साल तक नहीं निकाल पाएंगे। अब एक व्यक्ति का क्वेश्चन है साहब, अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि ये,
अब तुम्हें क्या लगता है, मैं अपनी LIC खुद पे करता हूँ या मेरी LIC कोई और पे करता है? तुम्हें क्या लगता है, मैंने अपनी कपिल जैन ने अपने जीवन की LIC करा रखी होगी या नहीं? कपिल जैन ने LIC ले रखी होगी या नहीं? हाँ, इन्होंने कहा यस ले रखी होगी। अब कपिल जैन की जो LIC की पेमेंट है वो कौन करता है? कपिल जैन करता होगा खुद? कपिल जैन करता होगा? ठीक है ना, ये कह रहे नहीं। यस ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं अपनी LIC की पेमेंट खुद करता था, पहले मैं अपनी LIC की पेमेंट खुद करता था, ठीक है ना। लेकिन फिर मुझे मेरे किसी दोस्त ने बताया कि तुम अपनी LIC की पेमेंट खुद मत करो। मैंने कहा फिर क्यों? उन्होंने कहा पहले तुम अपनी LIC की पेमेंट खुद करते थे, अब तुम्हारे क्या करो, तुम अपनी LIC की पेमेंट खुद मत करो। मैंने कहा और कौन करेगा? तो उन्होंने मुझे बताया, ठीक है ना। मैंने कहा मुझे तो डिडक्शन लेनी है 80C में। मैंने कहा मुझे तो डिडक्शन लेनी है 80C में, 1.5 लाख रुपए तक की मिलती है, तो LIC की पेमेंट करूंगा मिल जाएगी। कह रहे नहीं खुद मत करना। मैंने कहा क्यों? कह रहे तुम अपने 1.5 लाख डालो PPF में। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा LIC उसका क्या होगा? कह रहे एक बनाओ HUF। ठीक है, आगे क्लासों में HUF का कंसेप्ट बताएंगे तुम्हारे को। तुम कितने लोगों ने अपनी HUF बना रखी है? कितने लोगों ने अपनी HUF बना रखी है? हाँ, ईमानदारी से पता तो सबको है, लेकिन बना कितने लोगों ने रखी है? नहीं है सर, तब की बनवा दूंगा तुम्हारी HUF। मैंने भी ज्यादा दिन पहले नहीं बनाई, 1-2 साल पहले बनाई। ठीक है ना, तुम्हें पता है हमारी HUF का नाम? कई लोग हंस रहे हैं, ठीक है, कई लोग हंस रहे हैं जब मैं HUF का नाम पूछ रहा हूँ। ये लोग इसलिए हंस रहे हैं, सुनील शर्मा जी कह रहे हैं कपिल जैन HUF। कई लोग कहते हैं, ठीक है ना, कि भैया GST नहीं है, पेमेंट करनी है, तो मैं कह देता हूँ कि कपिल जैन HUF में दे दो। ठीक है ना, तो कपिल जैन HUF में पैसे ले लिए और वहां से अपनी LIC पे करा। किसकी LIC? HUF के मेंबर की। तो 1.5 लाख की LIC की डिडक्शन यहाँ पे ले, 1.5 लाख की LIC की डिडक्शन यहाँ पर। अब ये कह रहे विनीत, विनीत जी कह रहे नंगा नहाएगा क्या, नहीं छोड़ेगा क्या? कह रहे यहाँ पे तो इनकम ही नहीं है। ठीक है, तो तभी तो ये बैच कर रहे हो तुम ये बैच पहले से कर लेते तो सबकी इनकम हो जाती। और गारंटी है, इस बैच को करने के साथ साथ तुम्हें इनकम कैसे बढ़ानी है, तुम्हें इनकम कैसे बढ़ानी है, ये सारी चीजें भी मैं तुम्हें बता दूंगा, है ना। कुछ लोगों ने हमारा जो टूर जा रहा है, 4 दिन का उत्तराखंड टूर है, कुछ लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया है, कुछ लोगों ने अभी नहीं कराया है, तो सब लोगों को टूर के बारे में पता तो है ना। ठीक है, वहां पर मैं तुम्हें यही चीजें बताता रहता हूँ 4 दिन, कि भाई तुम अपनी इनकम कैसे बढ़ाओ, ठीक है ना, कैसे अमीर बनो। ठीक है ना, अब ये कमल सिंह कह रहे थे HUF का, देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि भाई LIC की डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है ना, कब मिल जाएगी? ठीक है ना, अगर कोई भी प्रीमियम पेड करता है व्यक्ति अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए, ठीक है ना, अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, बच्चों के लिए, बच्चे चाहे मेजर हो माइनर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर HUF अपने मेंबर की पेमेंट करती है, तो कपिल जैन, ठीक है ना, कपिल जैन HUF है, ठीक है ना, कपिल जैन HUF है और उसका मैं मेंबर हूँ, तो मेरी HUF मेरी LIC की पेमेंट करती है, उसकी HUF को डिडक्शन मिल जाती है। और मैं अपने इंडिविजुअल अकाउंट से PPF की कर लेता हूँ, तो वो भी 1.5 लाख की डिडक्शन ले लेती है, मैं भी 1.5 लाख की ले लेती, ठीक है ना। विनीत सैन कह रहे हैं जी ग्रुप में ऐड कर दो। कौन से ग्रुप में ऐड करना है? चलो क्लियर हो गया ये वाला। कमल सिंह खत्री क्लियर हो गया। तो यहाँ पर HUF के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो और अपनी 1.5 लाख की डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है, 3 लाख की डिडक्शन ले सकते हो। ऐसे ही PPF का मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे आ जाते हैं। हाँ, अब ये ठीक है, इसे जरूर करवा दो अपने क्लाइंट का। गवर्नमेंट्स ने क्या बोला कि भाई अगर तुम पैसा, म्यूट कर लो भाई बाकी लोग, ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने बोला पहले अपने क्लाइंट से ना थोड़ा सा, कई लोग तो क्या कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे जो अपने क्लाइंटों का
आईटीआर भरते और उनसे कभी मिले ही नहीं है। आईटीआर भरते हैं उनकी और उनसे कभी मिले ही नहीं है। बोलो। तुम्हें पता है जो लोग मेरे से आईटीआर भरवाते हैं, कुछ लोग तो मेरे से आईटीआर सिर्फ इसीलिए भरवाते हैं कि साल में एक बार इनसे मिलना हो जाएगा, और जब इनसे मिलेंगे आधे घंटे एक घंटे आईटीआर के फीस देंगे 2,000 रुपए, और मजे की बात पूछ लेंगे मेरे से बहुत सारी, ठीक है ना। मेरे से घर फैमिली की पूरी पूछ लेते। अब ये कह रहे जिनसे 50 लोग मिले उनसे मिले ही नहीं, तो भाई जिसकी भी आईटीआर भरो कम से कम उससे मिल जरूर लो, और उससे मिलके उसे कम से कम मिलो नहीं तो तुम्हें पता होना चाहिए उसके घर में उसकी कितनी बीवी है, कितने बच्चे हैं, ठीक है ना। बीवी तो जनरली एक ही होगी, मतलब बच्चे कितने, ठीक है ना। और अगर उसमें कोई गर्ल चाइल्ड है, कोई लड़की है उसमें, तो उसे सजेस्ट करो कि भाई देख तेरे घर में लड़की है, गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया स्कीम ले रखी है कि अगर कोई गर्ल चाइल्ड के नाम पर सुकन्या, ठीक है ना, सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाएगा और उसमें पैसे डालेगा, सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाएगा और उसमें पैसे डालेगा, ठीक है ना, तो उसे सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलेगी, ठीक है ना। और जब इसमें से पैसे निकलेंगे, ठीक है ना, और जब इसमें से पैसे निकलेंगे तो तब ये तुम्हारी इनकम में ऐड भी नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक एग्जेम्पशन अलग से दी गई है इसे, कि एग्जेम्पशन ऑन पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो गवर्नमेंट ने डबल बेनिफिट दिया। क्या दिया पहला बेनिफिट, कि सुकन्या में पैसे डालो 80C में एग्जेम्प्ट होगा, और जब तुम्हारी बेटी बड़ी हो जाएगी तुम्हें उसकी पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, ठीक है, और गवर्नमेंट मानकर चल रही है कि दहेज में भी पैसा लगेगा, ठीक है ना, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट जब इस स्कीम को प्रमोट करती है वो ये नहीं कहती कि शादी में पैसा लगेगा, लेकिन वो ये कहती है कि अगर तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई डॉक्टर बनेगी तो तुम इस पैसे को निकाल लेना, ठीक है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इस देश के अंदर महिलाएं थोड़ा सा आगे जाए, ठीक है ना, प्रमोट किया जाए गर्ल्स को। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई देख अगर तेरे यहाँ पर लड़की है, ठीक है ना, तो उसका सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा ले, ठीक है ना, और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसे डलवा ले। तो अपने जो क्लाइंट है और जिनकी लड़की है, ठीक है, उनका ये अकाउंट खुलवा लेना। अच्छा एक चीज बता दू, अब मेरे को ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने का एजेंट तो नहीं जो मैं इसका प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें बता दू, अब बस पता चला तुम्हारी लड़की हो गई 15 साल से ऊपर की, तब ये अकाउंट नहीं खुलेगा, ठीक है ना। तुम्हारी लड़की अगर ये 10 साल से कम है, इसके अंदर कुछ ऐसा प्रोविजन है, ठीक है, 10 साल 12 साल का, कि अगर बच्ची छोटी है तभी आपका होगा, अंडर 10, ठीक है, तो अंडर 10 के अंदर तुम्हें सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाना है अपने क्लाइंट का और उसकी डिडक्शन लेनी, ठीक है ना। तो अभिषेक यादव जी ने ले रखी है, बाकी लोग भी ले लें, ठीक है। चलो अब इसके अलावा देखो, मैं किसी भी लापरवाह इंसान को ये नहीं बोलूंगा कि वो अपने किसी क्लाइंट को इसका सजेशन दे, लेकिन अगर तुम्हारे को लगता है कि तुम्हारा क्लाइंट लापरवाह नहीं है, जिम्मेदार है, तो आप उसे सजेशन दे सकते हो कि भाई तू ना एनएससी खरीद ले। एनएससी होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसके अंदर और पीपीएफ के अंदर एक बड़ा अंतर होता है, कोई मुझे बताएगा, कि मैं क्लाइंट को सजेस्ट कर रहा हूँ पीपीएफ मत ले, एनएससी ले ले। क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ बताओ, क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ पीपीएफ की जगह एनएससी? किसी ने ले रखे एनएससी? किसी ने ले रखे एनएससी? एनएससी जो होते हैं वो 5 साल के लिए होते, पीपीएफ जो होता है वो 15 साल के लिए होता। तो अगर आपके क्लाइंट का जो होरिजन है उसे वो कह रहा है कि देख यार अभी ना 5 साल बाद, 5 साल बाद ना पैसे चाहिए यार, पीपीएफ में नहीं डाल सकता, पीपीएफ में 15 साल में निकलते हैं, तो उसे सजेस्ट कर दो कि भाई एनएससी खरीद ले। लेकिन जो एनएससी का इंटरेस्ट होता है उस पर टैक्स लगता है, पीपीएफ के इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं लगता है। तो क्लाइंट को दोनों ही चीजें बताते, इंटरेस्ट इसका टैक्सेबल होता है और इसे संभाल के भी रखना होता है कई बार,
ठीक है, तो अगर आप संभाल कर रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके अलावा क्लाइंट को इसके बारे में जरूर जानकारी दी। क्लाइंट अगर तुम्हारा ठीक ठाक है तो उसे इसके बारे में जानकारी दे। इसे बोलते हैं, ठीक है ना, SIP। क्या बोलते हैं? SIP, ठीक है ना। अब SIP क्या है? हाँ गवर्नमेंट क्या कह रही है कि तुम वैसे 15 लाख कमा रहे हो और 15 लाख रुपए कमा के थोड़ा बहुत खर्च करोगे और बाकी के तो पैसे तुम क्या करोगे, गोवा में उड़ा दोगे, ठीक है ना, थाईलैंड उड़ा दोगे। इससे अच्छा उड़ा ही रहे हो तो शेयर मार्केट में लगा लो। अब एक व्यक्ति कह रहा शेयर मार्केट में, ये तो जुआ है, सट्टा है, ये तो बर्बाद हो जाऊंगा गवर्नमेंट करने, कहीं नहीं। अगर तुम शेयर मार्केट में लगाओगे म्यूचुअल फंड के थ्रू, किसके थ्रू लगाते हो? म्यूचुअल फंड। और वो म्यूचुअल फंड जिसमें तुम 3 साल तक पैसा नहीं निकाल सकते, वो म्यूचुअल फंड जिसमें से तुम 3 साल तक पैसा नहीं निकाल सकते, लॉक-इन है। तो अगर तुम हर साल ये डालोगे पैसा तो इसकी भी तुम्हें 80C में डिडक्शन मिल जाएगी। इसके अंदर रिटर्न्स कम होंगी लेकिन 3 साल के अंदर ही पैसा तुम्हारे पास आ जाएगा। 3 साल के बाद पैसा कैसे आ जाएगा, इस बात को जरा ध्यान रख लेना। कभी किसी का म्यूचुअल फंड करा दो और वो 3 साल बाद तुम्हारा सिर फोड़े। अब मान लो किसी ने 10,000 रुपए का पर मंथ का म्यूचुअल फंड कराया और ये करवाया मान लो फरवरी 2024 में और हर महीने 10,000 करा रहा है, तो क्या होगा जब फरवरी 2027 आएगा? तो तुम इस 10,000 को निकाल सकते हो। फिर मार्च 27 आएगा, फिर तुम 10,000 को निकाल सकते हो, मतलब इस 10,000 पे जो रिटर्न हो, ठीक है। तो ये 3 साल का सबसे शॉर्ट टाइम पीरियड का होरिजन होता है जिसमें तुम पैसा डाल दो, ठीक है ना। हाँ, इक्विटी लिंक, ठीक है ना, सेविंग स्कीम जो भी है, ठीक है ना। आप 65 साल वालों के लिए अच्छा है कि 3 साल तक, ठीक है ना, डलता रहेगा। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना, इसे देखना नहीं होता, इसे देखना नहीं होता। पता चले तुमने इसे देखा कि लगाए थे 10 लाख, हो गए 8 लाख, इसे देखना नहीं है। लास्ट में कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही दे के जाते हैं अगर तुम्हारा नसीब ठीक है। ठीक है, चलो। अब इसके बाद ये मैं तुम्हें बता ही चुका हूं, गवर्नमेंट कह रही है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ बढ़िया से, ठीक है ना, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ फुल एजुकेशन के लिए, फुल टाइम एजुकेशन। तो यहाँ पर KJ क्लासेस का कोई डिडक्शन ना ले लेना, दिस इज नॉट योर फुल टाइम एजुकेशन, ठीक है ना, ठीक है ना, दिस इज नॉट योर फुल टाइम एजुकेशन, ठीक है ना, है ना। तो इन्होंने क्या बोला है, अपने लिए, सॉरी, अपने बच्चों के लिए अगर तुम कोई स्कूल फीस देते हो तो आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी। पता चले तुम KJ क्लासेस की फीस एक ने ना अपनी मम्मी से पे करवाई, ठीक है ना, एक ने अपनी मम्मी से पे करवाई। मैंने कहा क्यों करवा रहा है भाई तू अपनी मम्मी से पे? कह रहा है मम्मी की उसमें डिडक्शन लूंगा। मैंने कहा मिलेगी नहीं है, क्योंकि ये किसके लिए होती है, कॉलेज स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्या फुल टाइम एजुकेशन की होगी। तो क्या करना है इस केस में भी, अपने क्लाइंट को बोलना है कि फीस जो है हमेशा ऑनलाइन पे कर, ठीक है, और उस फीस स्लिप में एक लिखा रहता है वर्ड ट्यूशन फीस, और स्कूल वाले लेते हैं ट्रेवलिंग फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, बिल्डिंग चार्ज। तो एक्चुअल में तो ट्यूशन फीस की ही मिलती है, एक्चुअल में तो ट्यूशन फीस की मिलती है, लेकिन बहुत सारे लोग जितनी बैंक से पेमेंट करी होती है सबकी डिडक्शन ले लेते हैं। तो कल को जब कभी प्रूफ मांगेंगे तो वो फंस सकते हैं। तो भैया ऐसा ना करें, इसमें से जो ट्यूशन फीस की है सिर्फ उसी की डिडक्शन ले, ठीक है ना। और कितने बच्चों की ले? 2 बच्चों की। तो मेरा मानना है कि हर क्लाइंट के यहाँ पर 2 ही बच्चे होंगे, ठीक है ना, हिंदुस्तान में जितनी महंगाई है उस हिसाब से, तो ठीक है ना, लेकिन ठीक है ना, मिलेगी 2 ही बच्चों की, अगर 2 से ज्यादा है, ठीक है। हालांकि कई लोग ऐसा उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर, ठीक है ना, ठीक है, दीपायन कितने बच्चे हैं तुम्हारे, महेंद्र सिंह जी कितने हैं, कितने, कोई है जिसके 3 है, कोई ऐसा है जिसके 3 है, भारती कोई? हाँ, ये दिनेश जैन जी कह रहे 3 है। अब दिनेश जैन जी कह रहे सर 3 है। मैंने कहा ये 3 कैसे हुए?
ठीक है ना। मोदी जी ने तो कहा था हम दो हमारे दो, ठीक है। इन्होंने कहा साहब पहले एक बच्चा था, ठीक है। तो मोदी जी ने कहा कि हम दो हमारे दो, तो हम एक के लिए गए, लेकिन दूसरी बार में एक के साथ एक फ्री आ गया बोनस, मतलब ट्विंस हो गए सर। अब इसमें हमारी क्या गलती है, अब इसमें हमारी क्या गलती है साहब, ठीक है ना। तो कई लोग अगर किसी में इस तरह का कोई एंगल बन जाता है, ठीक है ना, तो आप कितने बच्चों की लेंगे, ठीक है ना। तो तब भी दो ही बच्चों की लेना, तीन की मत ले लेना, ठीक है। चाहे तुम्हारी गलती है या नहीं है, तो लेने दो ही की है, ठीक है, क्लियर है। चल हाँ, अब ये क्या कह रहे हैं। अब एक व्यक्ति ने क्वेरी पूछी, ठीक है। कोई ऐसा है जिसके चार है, कोई ऐसा है जिसके चार है। चलो कोई होगा तो बता नहीं रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लो किसी के चार है, एक कह रहा है दो की मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना। हाँ ये देखो दिनेश जैन जी ने टैक्स प्लानिंग करी है, ठीक है ना। तो देखो भैया कुछ नोट्स जो है मैं तुम्हें यहाँ पढ़ा नहीं रहा, लेकिन तुम्हें भेज दिए, ठीक है ना, कि यहाँ पर ये रामलाल था, ठीक है ना, ठीक है। ये रामलाल था, उसकी पत्नी थी पारो, पार्वती नाम था उसका, वो प्यार से पारो बुलाता था। तुम्हें पता है ना रामलाल की पत्नी का नाम, ठीक है। तो पारो ये क्या करते थे कि भाई एक में 1,70 थी, एक में 1,30 थी, तो दोनों में 1.5 लाख ले लेते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, अब मान लो चार बच्चे हैं, ठीक है ना, एक गोलू मोलू, तो रामलाल गोलू मोलू की कर लेता और टोलू भोलू की पारो कर लेती, ठीक है ना। तो कई बार ऐसे में अभी गवर्नमेंट इतनी सख्त नहीं है कि तुम्हें पकड़ ले, ठीक है ना। तो अगर तुम्हारे कुछ ऐसी हो रही है तो तुम कर लो, लेकिन अपने रिस्क, ठीक है, अपने रिस्क, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन सारे बच्चों की अपने में मत कर लेना, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। चल एक भैया ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाली को इंपॉर्टेंट कर लो। आप अपने हर क्लाइंट से बोल पूछ लेना कि भाई तुमने जो घर ले रखा है, ठीक है ना, तुमने घर जो ले रखा है वो लोन पर ले रखा है क्या। अगर वो लोन पर ले रखा है और वो हाउसिंग लोन ले रखा है आपने, ठीक है ना, तो जब भी आप अपना घर खरीदते हो और खुद रहने के लिए खरीदते हो, यहाँ ध्यान रखना इस बात का, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अगर तुमने जमीन खरीदी उस पे नहीं मिलेगी, तुमने ऑफिस खरीदा उस पे नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुम अपना कोई रेजिडेंशियल हाउस खरीदते हो, क्या खरीदते हो भैया, रेजिडेंशियल हाउस खरीदते हो, तब आपको ये डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो रेजिडेंशियल हाउस खरीद रहे हो और उसमें जब आप घर खरीदते हो तो स्टैम्प पेपर खरीदते हो, ठीक है, और वहां पर रजिस्ट्रेशन फीस देते हो, ठीक है। तो अगर आपने किसी भी क्लाइंट ने किसी भी साल में घर खरीदा है स्टैम्प पेपर की, और अगर उसने वो लोन पर घर खरीदा है, तो उसके अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसकी डिडक्शन 80C में मिल जाती है, ठीक है जी। विशाल हांडा जी कहते हैं सर रेजिडेंशियल लैंड की मिलेगी, एज पर माई नॉलेज वो रेजिडेंशियल लैंड की नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्होंने सिंपल क्या बोला हुआ है कि भाई शुड बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी में लैंड पर टैक्स नहीं होता, वो घर होता है तो ही टैक्स होता है, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहो ले लो, एट योर ओन रिस्क, ठीक है ना, क्लियर है, ये चीज आप समझ लो, ठीक है। तो ये वाली जो डिडक्शन है, अब इतनी सारी डिडक्शन इन्होंने 80C में दे दी, तो गवर्नमेंट का, ठीक है ना, गवर्नमेंट का ये पर्पस था कि भाई लोग बाग इन्वेस्ट करें, अच्छी अच्छी चीजों में पैसा लगाए। देखो गवर्नमेंट क्या कह रही है, ठीक है ना, सबका घर होगा बढ़िया बात है, सब शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे बढ़िया बात है, चाहे म्यूचुअल फंड से लगा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या ये तुम्हें नहीं लगता 1.5 लाख का अमाउंट कम है, 15 लाख वाला तो 3-3 लाख में लगा देगा। तो इस बार उम्मीद ये की जा रही थी कि भाई इसकी लिमिट को 1.5 से 2 लाख कर, 2 से 2.5 लाख कर दो। गवर्नमेंट ने कहा बोकस क्लेम कर रहे हैं सब लोग, अगर बोकस क्लेम ना करते तो आज ये लिमिट 1.5 से 2.5 3 पहुंच जाती। तुम लोगों ने बोकस क्लेम कर करके करा करा के इस लिमिट की धज्जियां मार दी, ठीक है ना, समझ में आई। तो इसलिए कोशिश करो बोकस क्लेम ना करो, ठीक है जी। चलो आगे, ये मैं तुम्हें बता ही चुका हूं, म्यूचुअल फंड वाला, ठीक है ना।
कोई पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट करा रहा है, तो ये अभी आगे चल के बताऊंगा, ये कर लो भाई, ठीक है ना। कितने लोगों को पता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम? कितने लोगों को पता है ये क्या होती है? कितने लोगों को पता है? कोई है हमारी क्लास में सीनियर सिटीजन? ठीक है ना, अभी इस पर बात करेंगे। देविंदर जी, अरुण कुमार कह रहे कोई नहीं है। कोई है 60, 60 या उससे प्लस का? चलो नहीं, तो अगर तुम्हारे पास कोई क्लाइंट सीनियर सिटीजन आ जाए, तुम्हारे पास कोई क्लाइंट सीनियर सिटीजन आ जाए, तो दो तरह के अकाउंट है। एक है सेविंग अकाउंट आम जिंदगी, और एक है सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट मेंटोस जिंदगी। सर इसमें क्या है, अब मान लो, ठीक है ना, अब मान लो हुआ गया, ठीक है ना, लेट सपोज करो रामलाल था, रामलाल ने अपना इंश्योरेंस करा रखा था 50 लाख का। रामलाल निकल गया, ठीक है, रामलाल निकल गया। अब रामलाल की जो माँ थी, पैसा मिल गया माँ को 50 लाख। अब 50 लाख रुपए रामलाल की मम्मी को मिल गया, ठीक है ना, तो अब उसकी मम्मी ने सोचा क्या करूं इस पैसे। अगर 50 लाख को घर में रखा, बैंक में रखा, तो बाकी बेटे बेटी मांग लेंगे, कोई चोर ना ले जाए, कोई बैला फुसला ना ले। तो मोदी जी के पास गई, मोदी जी तक आ गई, 50 लाख का क्या करूं? तो मोदी जी ने कहा कुछ मत करो, फटाफट से इस पैसे को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाल दो। और जैसे ही पैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाले, अब 4 दिन बाद फिर आ गई है रामलाल की माँ कि मुझे उन पैसों की जरूरत थी, वो दे देते। मोदी जी ने कहा नहीं मिलेंगे, मोदी जी ने कहा ये नहीं मिलेंगे, सेविंग अकाउंट में डलते तो मिल जाते, लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में गए तो नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा क्यों चाहिए? कह रहे बेटे को देने, ठीक है ना, बेटा रो रहा है, बेटे की तबीयत खराब है, उसे देने। वो कह रहा है नाटक कर रहा है बेटा, तुम सारे पैसे इसी में डलवाए तुम्हारे इसी में। तो कह रही पैसे 50 लाख गए मेरे? कह रहे नहीं अभी नहीं गए, ठीक है, ये तुम्हें मिलेंगे 5 साल बाद, और अगर तुम एक्सटेंड कराना चाहोगे तो 3 साल बाद। तो कह रही मैं पैसे का क्या करूंगी, अब मैं यूज कैसे करूं इस पैसे को? तो उन्होंने कहा इस पैसे को यूज क्या करना है, इसमें तुमने 50 लाख डाले, तुम्हारे को 4 लाख रुपए का ब्याज मिलेगा साल में। सबसे हैवी ब्याज मिलता है, सबसे हैवी ब्याज मिलता है किसमें? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, कि तुम इस 50 लाख पे कम से कम 4 लाख रुपए साल का ब्याज मिलेगा, मतलब कि 1 लाख रुपए का ब्याज हर 3 महीने में मिलेगा, और इस 1 लाख रुपए को तुम निकाल सकती हो। कितने रुपए को निकाल सकती हो तुम? सिर्फ इस 1 लाख रुपए को निकाल सकती हो। तो भाई अगर तुम्हारे पास कोई सीनियर सिटीजन आ जाए और उस पर कैश वैश रखा हो सही सा, 10 लाख 20 लाख 50 लाख पैसे आए हो, तो उसके इसमें डलवा दे, ठीक है ना, इसमें 8.5% का इंटरेस्ट है, 3 महीने में ही ब्याज निकलेगा, पैसे मिलेंगे 5 साल बाद। अब मान लो कोई ताऊ है, वो 70 साल का है, 75 साल का, उसके मत डलवा देना, ठीक है ना, समझ गए? तो ये वो पैसा है जब किसी व्यक्ति को लगे कि भाई मेरा अंतिम समय आ रहा है, लेकिन बेटा जो है ना दवाई का खर्चा नहीं दे रहा, बेटी जो है दवाई का खर्चा नहीं दे रही है, क्या करूं? पैसे हैं 50 लाख, अगर घर में रखूंगी चोर ले जाएंगे, बैंक में रखूंगी तो ये निकलवा लेंगे, तो वो पैसे को SCSS में डलवा दे, और उसे ब्याज आता रहेगा, और उसमें नॉमिनी बना दे जिसे बनाना है, ठीक है भैया? तो क्लाइंटों को अगर तुम ये सलाह दोगे तो बहुत सही रहेगा। चलो आगे आ जाओ, ठीक है जी। तो भैया ये सारी 80C की डिडक्शन थी, किसी को 80C की डिडक्शंस में कुछ पूछना है तो बताओ। अब एक व्यक्ति कह रहे हैं देविंदर, देविंदर कह रहे हैं कि साहब पहले ना एक चीज और समझना, तुम्हें इस कोर्स के दौरान कुछ चीजें और बताऊंगा भाई साहब, कि जैसे किसी ने हाउसिंग लोन लिया, ठीक है ना, देखो पहली चीज घर तो दोनों के नाम पर ले लो, हाउस तो दोनों के नाम पर तुम ले लो,
हस्बैंड जनरली क्या करता है, अपने नाम पर, और अगर वाइफ को खुश करना हो तो साथ में उसके नाम पे घर तो ले लेता, ठीक है। अब ये हाउस लोन भी, इसमें बड़ी गड़बड़ होती है। हाउसिंग लोन में क्या झंझट रह रहा होता है कि कोई हस्बैंड कंबाइंड नेम पे ले लेते हैं कि हम दोनों पे करेंगे, और पे एक ही कर रहा होता है, कभी वाइफ पे कर रही होती है कभी हस्बैंड। तो सर इसका सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि अगर आपका हाउस दोनों के नाम पर है तो लोन भी दोनों के नाम पर होना चाहिए, और अगर लोन दोनों के नाम पर है तो पेमेंट भी दोनों के नाम से ही होनी चाहिए, तो तब तो आप इसकी डिडक्शन ले लेते हो। अगर आप कुछ उल्टा सीधा कर रहे हो तो कल को डिडक्शन में दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। क्योंकि मान लो भाई हस्बैंड पे कर रहा है सारा, ठीक है ना, इंटरेस्ट, और आप डिडक्शन लोगे वाइफ में तो दिक्कत है, ठीक है। हस्बैंड सारा पे कर रहा है लेकिन लोन आधा वाइफ के नाम पर है, पूरी हस्बैंड में ले रहे हो तो दिक्कत है। तो इस तरह के अगर गोलमाल हो रखे हैं तो उन्हें ठीक कराना। अब एक कह रहे हैं हितेश चौहान जी, सर एनपीएस बता दो, सर जी एनपीएस भी बता दो और इसकी क्या लिमिट है ये भी बता दो, ठीक है ना। त्रिलोकी यादव जी कह रहे हैं सर व्हाट इज 20% इन एलआईसी। देखो 20% इन एलआईसी क्या है, मान लो तुम कोई हैंडीकैप हो तो जहां पर 10% का वर्ड लिखा हुआ है ना, वो आई थिंक हैंडीकैप के लिए जो 80U में है वो 20% है, कि भाई तुम 20% तक का प्रीमियम दे सकते हो। वैसे जनरली 10% है, ठीक है ना, ठीक है। और ये जो 20% है जो 31/3/12 से पहले की एलआईसी है उनके लिए था, ठीक है, और 12 से 13 के बाद इन्होंने 10% कर दिया, और हैंडीकैप के लिए कितना कर रखा होगा, 15, ठीक है, क्लियर हो गया त्रिलोकी यादव। पर ईएमआई तो एक ही डेबिट होती है। दिनेश जैन सर कह रहे हैं कि साहब ईएमआई तो एक ही डेबिट होती है, बैंक वाला कभी ये सिस्टम नहीं लगाता कि ईएमआई दो लगा दे, ठीक है ना। तो भैया ईएमआई अगर एक डेबिट हो रही है और हस्बैंड ने कहा है जी मेरे अकाउंट से डेबिट करो, तो वाइफ को क्या करना है, हर महीने उस ईएमआई का आधा पैसा अपने हस्बैंड को दे देना है, कि जिससे कल को ये प्रूव हो जाए जी कि मैंने इन्हें दे दी, इन्होंने बैंक को दे दी, तो इसलिए मैं भी एग्जेम्पशन क्लेम करूंगी, ठीक है। अब इन्होंने कहा साहब 80C की मैक्सिमम लिमिट क्या है, वो 1.5 लाख है, ठीक है ना। अभी एनपीएस और बताता हूँ, एनपीएस बताता हूँ कि भाई एनपीएस क्या है, ठीक है ना। भाई अगर दोनों पे करते हैं तो देखो यहाँ पर जो डिडक्शंस होती है 1.5 लाख दोनों के केस में देखी जाएगी, ठीक है ना, दोनों के केस में देखी जाएगी, ठीक है। तो मैंने तुम्हें ये चीज बता दी। अब आता भैया एक एनपीएस, तो देखो जो एनपीएस इसमें लिखी हुई है ये तुम्हारे कोई काम की नहीं है। जिस एनपीएस के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो एनपीएस समझो, क्योंकि इसमें तो सबकी 1.5 लाख की लिमिट पूरी हो ही जाती है। तो सर आप कौन सी एनपीएस समझाने वाले हो, तो पहले मेरे वाली एनपीएस समझ लो जो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ, ठीक है जी। मैं तुम्हें जो एनपीएस समझाने वाला हूँ वो एनपीएस समझ लो। एनपीएस का मतलब होता है नेशनल पेंशन स्कीम। अच्छा ये बताओ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे पेंशन मिलती है, कोई ऐसा है जिसे पेंशन मिल रहेगी, कोई ऐसा व्यक्ति हमारी क्लास में जिसे पेंशन मिलेगी, है कोई ऐसा व्यक्ति, इन्हें नहीं मिलेगी पेंशन। अरे तुम्हें भी पेंशन मिल सकती है, पेंशन, तो अब जैसे ही मैं तुम्हारे बोलूंगा पेंशन मिलेगी तुम्हें, तुम्हें लगेगा नहीं भाई पेंशन तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, या जो बड़ी बड़ी कंपनियों में होते हैं उन्हें मिलती है पेंशन, हमें पेंशन क्यों मिलेगी, ठीक है त्रिलोक यादव ने बोला। लेकिन मैं तुम्हें एक आज बताऊंगा बात, तुम्हें भी पेंशन मिलेगी, ठीक है ना। कैसे मिलेगी जरा इस चीज को समझो, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने पहले तो क्या बोला, तो आजकल सब लोग सरकारी नौकरी में जाते थे, क्योंकि सरकारी नौकरी में लोग इसलिए ही जाते थे कि भाई जीते जी भी कमाएंगे और अगर रिटायर हो गए उसके बाद पेंशन मिलेगी। पेंशन गवर्नमेंट इसलिए देती थी कि भाई अब ये 60 साल का हो गया, इसे घर जाने दो, इसका दिमाग वैसे काम नहीं कर रहा, ठीक है ना, ये लड़ाई झगड़ा करता रहता है यहाँ पर, तो गवर्नमेंट रिटायर कर देती है 60 साल में। फिर उसके बाद अब वो कहता भाई मैंने तुम्हारे पूरी जवानी तुम्हारे पे लगा दी, अब क्या करूं मैं, वृद्धाश्रम में जाऊं, तो गवर्नमेंट कहती है नहीं तू घर पे बैठ तुझे पेंशन देंगे, ठीक है ना।
अब उसे तो मिल गई गवर्नमेंट जॉब थी, अब मुझे मिलेगी क्या पेंशन? मुझे मिलेगी? मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम पेंशन दोगे क्या मुझे? है मेरे बुढ़ापे में तुम मेरा हाल चाल पूछने भी आओगे? है कोई नहीं आएगा मेरा हाल चाल पूछने, मुझे पक्का पता है, ठीक है ना। ये देखो, इसने तो, चंद्रभाग जी ने तो क्लियर कह दिया, नहीं, फीस दे दी, काम खत्म। ये कह रहे हम नहीं आएंगे तुम्हारा हाल चाल पूछने की, गुरु जी कहाँ है, ठीक है ना। ठीक है, तो मुझे पक्का पता था कि तुम ऐसे ही करोगे, ठीक है ना, मुझे पक्का पता था कि तुम ऐसे ही करोगे कि तुम मेरा कोई हाल चाल पूछने नहीं आने वाले। तो मैं क्या करता हूँ, हर साल पिछले 3 सालों से हर साल 50,000 रुपये मैं भी जमा करता रहता हूँ एनपीएस में। क्या बोलते हैं? एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम में। अब मैं 50,000 रुपये हर साल अपने पेंशन स्कीम में जमा करता रहता हूँ, और जैसे ही मैं 60 साल का होऊंगा तो 20 साल के अंदर मेरे लगभग 10 लाख रुपए जमा हो जाएंगे, और 10 लाख रुपए के ब्याज ब्यूज लगा के 15 लाख रुपए हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट, जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा, तो गवर्नमेंट मुझसे पूछेगी कि भाई बता कपिल जैन, ये 15 लाख रुपए या तो इकट्ठे ले ले, या चला जा गोवा घूमने, या ऐसा करते हैं तेरी 15 लाख रुपए की पेंशन बना देते हैं अगले 10 सालों तक। मैं कहूंगा ठीक है। तो ये गवर्नमेंट चाहती है कि जो प्राइवेट वाले आदमी हैं जिन्हें पेंशन गवर्नमेंट से नहीं मिलेगी, वो चाहे तो अपनी पेंशन बनवा सकते हैं 50,000 रुपए एनपीएस में जमा करके। कितने में जमा करके भाई? एनपीएस में जमा करके। तो अगर आपने एनपीएस में पैसे जमा करे 50,000 रुपए, तो उसकी तुम्हें एडिशनल डिडक्शन मिलेगी, जो 80C के 1.5 लाख और एनपीएस के 50,000, ठीक है ना। 80C के 1.5 लाख और एनपीएस के 50,000, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं साहब टोटल पैसा नहीं ले सकते, 50% ले सकते हैं। देंगे तो टोटली वो किस्तों में दे देंगे, 50% उस टाइम पे दे देंगे गोवा घूमने के लिए, 50% किस्तों में ले लेंगे दवाइयों के लिए, ठीक है। अब ये कह रहे साहब ये हर साल जमा करना पड़ेगा। आंसर इज नो, जितनी तुम्हारी इच्छा उतना जमा कर दो, लेकिन सजेशन ये है कि हर साल जमा कर दो। मैक्सिमम लिमिट 50,000 ही है, मैक्सिमम लिमिट 50,000 ही है। अब ये कह रहे साहब 80U की डिडक्शन किसे मिलती है, ठीक है ना। 80U की जो डिडक्शन होती है अभिषेक यादव जी, हैंडीकैप जो पर्सन होगा उसे मिलेगी। जैसे तुमने कई बार रोड पर देखा होगा, रोड पर कोई टेलीफोन बूथ लगा रहा है, कोई बेचारा हैंडीकैप है, वो कहता है लेकिन भाई मैं पैसे मेहनत करके कमाऊंगा। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई तू जिंदा दिली दिखा रहा है, ठीक है ना, तेरी इनकम में से हम तुझे डिडक्शन देंगे क्योंकि तू खुद हैंडीकैप है, ठीक है ना। तो अभी 80U डिस्कस करेंगे बाद में, है ना। तो मैक्सिमम लिमिट क्या है सर? आप तो मेरे सपने में आते हो, हितेश चौहान जी कह रहे मैं सपने में आता हूँ इनके। हाँ, पॉजिटिव वे में आता हूँ या नेगेटिव वे में, ये भी बता दो, ठीक है ना। पोस्ट ऑफिस स्कीम भी बता दो। हाँ, तुम तो ऐसा समझ रहे हो जैसे मैं यहाँ पर ना स्कीम बांटने वाला आ गया तुम लोगों को। तुम इनकम टैक्स नहीं समझ रहे, तुम तो मजे ले रहे हो स्कीम समझ समझ के कि यही स्कीम क्लाइंटों को बताएंगे, ठीक है ना। अरे पोस्ट, ठीक है ना। तो भाई पोस्ट ऑफिस स्कीम क्या है? जैसे तुम खाता सेविंग बैंक में खुलवाते हो, ऐसे पोस्ट ऑफिस में खुलवा लो, ठीक है ना। तो पोस्ट ऑफिस में अगर जमा करोगे तो वहां पर भी ऐसा होता है, पैसे जमा करोगे निकालने को 5 साल बाद मिलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, 80U की मनीषा जी ने लिख के दी है। 80C का एक समरी बता दीजिए। तो 80C की समरी मैंने तुम्हें बता दी, इंडिविजुअल को मिलेगी, ठीक है ना, इंडिविजुअल को मिलेगी। किस किस चीज के लिए मिलेगी? जो मैंने सारी चीजें आपको बताई है, ठीक है ना। और यहाँ पर इस चीज को दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, अपने लिए मिलेगी उसे, ठीक है ना। कहाँ गया? इंडिविजुअल को मिलती है और HUF को मिलती है, पहली चीज ये ध्यान रखना है। और हर चीज में अलग अलग है कि भाई जैसे LIC की इंडिविजुअल अपने लिए, स्पाउस के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है। अब ये कह रहे HUF कैसे बनाते हैं आज ये बता दो, बाकी तो सारी बात खत्म करो। आज पढ़ा रहा हूँ डिडक्शन, ये कह रहे HUF कैसे बनाते। चंदन दास, चंदन दास वीडियो ऑन कर रखी है? वीडियो ऑन करनी रखी, क्वेरी पूछ रहे, मैं नहीं बता रहा, ठीक है ना।
मुझे पता ही नहीं चलेगा तुम्हें एचयूएफ बनाना बताना या नहीं बताना। अच्छा DRC 01 केस डिस्कस हो रहा है सपने में इनके। ठीक है 80C की समरी बता दी मैंने, बहुत सारी डिडक्शंस है ठीक है ना, जो मिलेगी इंडिविजुअल को मिलेगी, एचयूएफ में मिलेगी, कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लो है ना। ये कह रहे कैमरा नहीं है, एचयूएफ कैसे बनाते, शादी हो गई तुम्हारी चंदन दास, शादी हो गई? हाँ यस, शादी का कार्ड है, शादी का कार्ड है, अभी कितने साल हो गए शादी को? ये कह रहे शादी का कार्ड नहीं है, कितने साल हो गए शादी को, कितने साल हो गए चंदन दास? ये 10 साल हो गए, 10 साल हो गए शादी का कार्ड नहीं है। देखो मेरा शादी का कार्ड तो मैं अपने सामने रखता हूँ हमेशा, ठीक है ना, अपने सामने रखता हूँ शादी का कार्ड, ठीक है ना, शादी का कार्ड रखा करो, याद रहेगा ठीक है, चेक कर लिया करो एक्सपायरी डेट उस पे, ठीक है। ये कह रहे शादी बर्बादी है बचा हुआ, मेरे से मिलके पूछो बर्बादी है, इतनी अच्छी होती है शादी, तुम कह रहे हो बर्बादी है, हितेश चौहान ठीक है ना, गलत बात नहीं कहते। हाँ ठीक है ना, तो भैया जैसे तुम्हारी शादी हो गई है, शादी का कार्ड छपवा लो, जिस डेट को शादी हुई थी है ना, उसका कार्ड छपवा लो, एक एफिडेविट बनवा लो ठीक है, वो एफिडेविट बनवा लो कि मेरी जो शादी है, जैसे मैंने अपना एफिडेविट बनवाया था कि भाई मेरा नाम कपिल जैन है, मेरी शादी सीए सुमन लता गुप्ता से हुई ठीक है ना, हम एक एचयूएफ बनाने की सोच रहे हैं, मतलब हम एक एचयूएफ बना रहे हैं, उसकी लैंग्वेज है कुछ ऐसी, जिस एचयूएफ का कर्ता मैं रहूंगा उसमें शादी एक 20 रुपये 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बनवा लो, शादी का कार्ड लगा लो, पैन कार्ड बनकर आ जाएगा एचयूएफ का, बस एचयूएफ का पैन कार्ड बन के आ गया, बन गई तुम्हारी एचयूएफ ठीक है। उसके अंदर पैसा कैसे आएगा वो आगे की बात बताऊंगा, एचयूएफ के अंदर तुम कोई बिजनेस कर लो, वहां से पैसा लिया हो उसके अंदर ठीक है, इतना आसान नहीं है ठीक है। दिनेश जैन जी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ ठीक है ना, एचयूएफ के अंदर एचयूएफ पहले आपने अपनी बना ली, फिर उसके अंदर थोड़े थोड़े पैसे फंडिंग डालो, कोई प्रॉपर्टी है वो लो ठीक है ना, या कोई उसमें बिजनेस दिखाओ, तो वहां से उसका पर्पस जनरेट करो, जब उसका फंड जनरेट होएगा फिर वहां से इनकम आएगी ठीक है। ठीक है किसी से गिफ्ट ले सकते हो अपनी एचयूएफ में, किसी से ठीक है ना, ठीक है ना सर, मैरिज की डेट से होता है या बच्चे के बर्थ से होता है? सुनील शर्मा जी कह रहे हैं मैरिज की डेट से होता है या बच्चे के बर्थ से होता है? देखो मैंने तो सेफर साइड बच्चे के बर्थ से कराया था ठीक है ना, एचयूएफ जब मैंने कराया था बच्चे के बर्थ से कराया था ठीक है, क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि शादी की डेट से होता है या बच्चे के बर्थ से, तो मैं तो ये कहूंगा जब तुम्हें बनवानी है और अभी बनवानी है, अगर तुम्हारे बच्चे हो गए ठीक है ना, तो बच्चे के बर्थ से बना लो ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि एचयूएफ में सैलरी दिखा सकते हैं क्या, एचयूएफ कहीं नौकरी थोड़ी करती है भाई। अब ये कह रहे शादी का कार्ड ना हो, अरे भैया डेट तो होगी, उसका कार्ड छपवा लो एक। शर्मिष्ठा जी कह रही है कि डेट तो मैंने तो इसलिए इकट्ठे, मैंने क्या करा था अपनी शादी के 10 कार्ड एक्स्ट्रा छपवा लिए थे ठीक है ना, तो मैं तो संभाल के रखता हूँ ठीक है ना, है ना, तो तुमने नहीं छपा एक्स्ट्रा, ये कह रहे कम पड़ गए थे हमारी शादी के कार्ड तो ठीक है, कईयों के होते हैं कम पड़ जाते हैं ठीक है ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, तो अगर नहीं है तो छपा लो ठीक है। एनपीएस कौन से सेक्शन में जाएगा अगर Tier 1 में इन्वेस्ट हो, और Tier 2 में कौन सा सेक्शन ठीक है ना, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ठीक है अभी एनपीएस के बारे में ठीक है, तुम इतनी सारी क्वेरी पूछ रहे हो मेरे से आज ही, मुझे लग रहा है कि इनकम टैक्स तुम्हें पढ़ाऊँ या संन्यास ले लूँ है ना, इतनी सारी क्वेरी मत पूछना मेरे से ठीक है ना। अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है ना सर, बच्चा होगा तब एचयूएफ बनेगा, विशाल हांडा जी कह रहे बच्चा होगा तब बनेगा, मैंने क्या बोला भाई, बच्चे हैं तो सेफर साइड बना लो, जब बच्चे होते तभी, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने तो शादी के बाद ही बनवा रखी है ठीक है ना, तो कोई बात नहीं ठीक है ना, तो तुम वो चीज कर सकते हो। यहाँ पर ये देख लो पहले, एग्जम्पशन ऑन पेमेंट फ्रॉम एनपीएस ट्रस्ट टू एन एसएससी ऑन क्लोजर ऑफ हिज अकाउंट और इज ऑप्टिंग आउट ऑफ द पेंशन स्कीम, तो
भाई तुम पेंशन स्कीम का अकाउंट बंद भी करवा सकते हो, पेंशन स्कीम का अकाउंट बंद भी करवा सकते हो, और ठीक है ना बंद भी करा सकते हो और उससे ऑप्ट आउट भी हो सकते हो। एज पर सेक्शन 80 CCD एनी पेमेंट फ्रॉम नेशनल पेंशन स्कीम ऑन अकाउंट ऑफ क्लोजर और इज ऑप्टिंग आउट ऑफ पेंशन स्कीम इज चार्जेबल टू टैक्स। तो अगर आप बंद कराओगे या उससे बाहर निकलोगे तो भाई साहब आपको टैक्स लग जाएगा। सेक्शन 10(12)A प्रोवाइड्स एनी पेमेंट फ्रॉम एनपीएस ट्रस्ट टू एसआईसी ऑन अकाउंट ऑफ ऑप्टिंग दिस रेफर्ड इन सेक्शन टू द एक्सटेंट इट डज नॉट एक्सीड 60% ऑफ टोटल अमाउंट पेबल टू हिम, ठीक है ना, सैलरी एग्जेम्प्ट। तो भैया जब भी तुम एनपीएस से पैसा लो 60% से ज्यादा मत लेना, क्योंकि 60% तक तुम्हारा एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है ना जी। ठीक है, और अगर आप कोई एम्प्लॉय हो और पार्शियल विड्रॉल करते हो तो पार्शियल विड्रॉल भी एग्जेम्प्ट रहता है। ठीक है, यहाँ पर तुम ये देख लो, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं बात जो बात कर रहा हूँ 80 CCD 1B की बात कर रहा हूँ, जो 50,000 की अलग से मिलती है। ठीक है, जो 50,000 की अलग से मिलती है 80 CCD 1B, ठीक है ना। ठीक है, तो आप ये वाली पेंशन स्कीम ले सकते हो। सर HUF कौन 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 सी कास्ट में लोग बना सकते हैं? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसमें जैन भी बना सकते हैं, सिख भी बना सकते हैं, हिंदू भी बना सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से मोमडन लोग नहीं बना सकते। ठीक है, ठीक है, चल क्लियर हो गया, बोलो। 80C क्लियर हो गया, एनपीएस क्लियर हो गया, तो ये भाई साहब कुछ भी सिर पकड़ पटक लो, 2 लाख रुपए की डिडक्शन, इसे कभी भी मत छोड़ना। 2 लाख रुपए की डिडक्शन है, इसे कभी भी मत छोड़ना। जिसका 80, पहले सब लोगों का 80C पूरा कराना, और अगर सब लोगों का 80C पूरा हो गया है, सब लोगों का 80C पूरा हो गया है, ठीक है ना। हितेश चौहान जी कह रहे हैं एनपीएस की लिमिट, एनपीएस की लिमिट जी मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है 50,000 की लिमिट होती है, और इसे आप किस में लोगे? 80 CCD 1D में, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आउटसाइड द लिमिट ऑफ 1.5 लाख, ठीक है ना। तो भैया ये जो CCD 1B की लिमिट है वो 50,000, वो अलग से है। सर शेयर कैपिटल का कम कर सकते हैं HUF में? भैया शेयर कैपिटल का काम कर सकते हैं, हाँ शेयर कैपिटल का काम कर सकते हो। मेरे हिसाब से HUF के नाम पे लोग बाग शेयर ट्रेडिंग करते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है। मैंने कभी करा नहीं है, करके देख लेना, ठीक है ना। अभी अभी हम 80C पर चल रहे थे। दिनेश जैन जी, जो मेडिक्लेम वाली कहानी है वो हमारे सेक्शन 80D में आएगी, सेक्शन 80D में आएगी, ठीक है ना, सेक्शन 80D में, ठीक है। तो अब आप बताओ, अगर अभी तुम्हारे को डिले नहीं हो रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा है, तो अभी हम आधे घंटे में, 15 या 20 मिनट लगेंगे, 80D करा दें या नेक्स्ट क्लास में कराना है 80D, बोलो फटाफट से। 80D इसी क्लास में कराना है या नेक्स्ट क्लास में? शर्मा जी कह रहे हैं सर नेक्स्ट क्लास में कराना। तो नेक्स्ट क्लास तुम्हारी ज्यादा दिन बाद नहीं है, कल ही है, संडे को है कल तुम्हारी नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना, कल शाम को 7 से 9, ठीक है ना। हाँ कल तुम्हारी 7 से 9 में इस डिडक्शन के चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो तुम्हें नोट्स मिले हैं, सारे नोट्स पढ़कर आना, किसी को कोई डाउट हो तो बताना। क्लास कैसी लगी, पिछली 2 क्लासे जो ऐप में है और आज की क्लासे, तो उसका रिव्यू डाल देना। सर हाउसिंग लोन रिपीट कर दो। संदीप जी, हाउसिंग लोन में सिंपल है कि अगर आप हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल देते हो, ठीक है, घर खरीदा, घर खरीदते समय स्टैम्प पेपर के पैसे देते हो, घर को लोन पे लेते हो, और उसका प्रिंसिपल अमाउंट, किस्त का अमाउंट नहीं, किस्त है 20,000, उसमें प्रिंसिपल है 5,000, इंटरेस्ट है 15,000, तो प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन आपको मिलेगी, ठीक है ना। हाँ कल का शेड्यूल सुन लो, कल का शेड्यूल सुन लो, कल सुबह सुबह 12 से 2 के अंदर, 12 से 2 के अंदर रियल इस्टेट पे बेहतरीन कोर्स होगा, CS श्रुति सिंगल बताएंगी 2 घंटे, ठीक है, मैं शांत रहूंगा, ठीक है, ये बताएंगी, हाँ मैं बैठा रहूंगा, सुनता रहूंगा, कुछ चीजें होंगी तो मैं ऐड कर दूंगा। 3 बजे से 6 बजे तक GST के अर्जुन कोर्स में GSTR 1 का प्रैक्टिकल करेंगे, GST के अर्जुन कोर्स में GSTR 1 का प्रैक्टिकल करेंगे। तो अगर किसी ने अर्जुन कोर्स नहीं लिया है तो अभी ले लो, ठीक है, बाद में दिक्कत आएगी, ठीक है। इसके बाद शाम को 7 से 9 में तुम्हारा ये क्लास चलेगी, ठीक है, एकलव्य बैच की इनकम टैक्स की, ठीक है ना।
अब इन्होंने कहा एनपीएस विड्रॉल एट रिटायरमेंट एज इज एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल। 60% तक निकालते हो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 60 के बाद निकालोगे टैक्सेबल हो जाएगा, तो 60 निकाल लेना फिर वो किस्ते बनवा लेना। ठीक है, तो भैया अगर किसी को इसके लिए एनुअल मेंबरशिप लेनी है, हर संडे होता है भैया ये 10 से वो 12 से 2 में, तो एनुअल मेंबरशिप ले लो, बाद में मत कहना कि रेट बढ़ गए, बाद में मत कहना कि रेट बढ़ गए। ठीक है, एनुअल मेंबरशिप वालों को इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। ठीक है, और अगर किसी को 4 दिन के टूर पर जाना है हमारे साथ, तो उत्तराखंड का टूर है, तो उसके लिए टीम से बात कर लेना, अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर। ठीक है, सर 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 एचयूएफ के बारे में एक क्लास रख लेना सर, उसी में पैसे मिलेंगे हमें। सर हाँ, तो एचयूएफ के बारे में क्लास रख लेंगे, आगे चल के एचयूएफ की क्लास करेंगे। ठीक है जी, ये मार्च से पहले कर लो ना, प्लानिंग कर सकते हम लोग। मार्च से पहले देखेंगे कि एचयूएफ पे ना 12 से 2 में सेशन रखवा देंगे एचयूएफ पे। ठीक है ना, एचयूएफ पे जैसे भी ठीक सर आपको। हाँ जी, हाँ जी, है ना, हम एक सेशन रखवा देंगे अगले संडे या उससे अगले संडे, टैक्स सर प्लानिंग थ्रू सर एचयूएफ। सर जुहू की जगह पहले वो करा दो सर, एचयूएफ वाला। हाँ, अगर देखते हैं भैया, ऐसे नहीं, स्पीकर भी तो मिलना चाहिए। ठीक सर है ना, आप है तो अरे मेरे मेरे को बहुत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, सर आपकी बात ही समझ में आती है हमें तो। नहीं, साथ में रहूंगा मैं, जो भी स्पीकर होंगे। एनपीएस में अगर 1 लाख जमा है तो 50,000 एटीसी में ले सकते हैं, ऐसा नहीं करो। जो एनपीएस में 1 लाख, पहली बात वो जमा करता ही नहीं है, शायद 50,000 ही होता है। ठीक है, और एटीसी में एनपीएस का लिखा हुआ है, तो हाँ वहां पर कुछ जो एनपीएस में लिखा होगा एटीसी, तो वहां ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना, क्योंकि एनपीएस एटीसी में भी लिखी हुई है, लेकिन जनरली जो हम लेते हैं, जो मैंने आपको सेक्शन बताया, हम उसी में लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। सर इस क्लास में क्या पांचों हेड ही कवर करेंगे, थ्योरी पूरा? हाँ, पांचों हेड कवर करेंगे, पूरा थ्योरी नहीं। ठीक है, जितना काम का थ्योरी होगा, जैसे आज एटीसी का थ्योरी कवर करा, उतना थ्योरी कवर करेंगे जितना काम का हो। ओके ठीक सर, है, ओके सर, लाइन बाय लाइन कोई थ्योरी नहीं। ठीक है, ठीक ओके सर। है जी, तो क्लास कैसी लगी, गूगल पर रिव्यू डाल देना, कोई दोस्त वगैरह तुम्हारा ज्वाइन करना चाहता है तो उसे ज्वाइन करा लेना, दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी। ठीक है ना, हाउस लोन इंटरेस्ट डिडक्शन कितनी है, हाउस लोन के जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है उसकी चर्चा हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन में करेंगे। ठीक है ना, अभी हम डिडक्शंस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हाउस लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन एटीसी में कोई नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट है महेंद्र सिंह जी। और अगर आपने हाउस लोन लिया हुआ है कुछ स्पेसिफाइड पीरियड में, उसकी एक डिडक्शन आगे आएगी 80E के आसपास। ठीक है ना, एक ITR कंप्यूटेक्स में फिल करके दिखा देना सर जी, प्रैक्टिकल। कंप्यूटेक्स का मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन जीनियस सॉफ्टवेयर है, तो मैं कोशिश करूंगा उसमें तुम्हें भर के दिखा दूंगा। ठीक है ना, जिसके पास होगा तो वो एनी डेस्क पे दिखा देगा, तो मैं वहां से समझा दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, अब कल के लिए बढ़िया से अभी सो जाओ, पूरी नींद लेना, कल पूरा संडे सुपर संडे होगा, 12 से 2, 3 से 6, 7 से 9। ठीक है, चलो ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, चलो थैंक यू। क्लास सही लगी, किसी को पैसे वापस लेने आज ही ले लेना, बीच में मत लेना, अगर तुम्हें क्लास सही नहीं लग रही है। बीच में कोई पैसे नहीं दूंगा मैं, खर्च कर जाऊंगा सारे पैसे जो तुम्हारी फीस के आए हैं। ठीक है ना, बीच में मत मांगना। ठीक है कि सर समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, ठीक है, इतना ही समझ आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, हाँ इससे कम आ सकता है थोड़ा बहुत, चलो ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय। ठीक है, हाँ समझ आ रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है, इतना बहुत है, ठीक है, बाय 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 बाय, टेक केयर।